एक जिसको हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, कि जिसमें आप टेम्परेचर मेंटेन करके जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में नॉन रेस्पिरेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, कि जिसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, वो रेस्पिरेट नहीं कर रहा है, ऐसी जो प्रोडक्ट्स है जिसको आप टेम्परेचर कंट्रोल करके स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो कोल्ड स्टोरेज में एक डिवीजन है वो है मॉडिफाइड एटमोसफियर स्टोरेज। ये स्टोरेज ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बनाया जाता है टेक्नोलॉजी की, जिसमें प्रोडक्ट का रेस्पिरेशन होने के साथ साथ वो CO2 रिलीज करता है, जिसके लिए ह्यूमिडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करती है, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स। अब जैसे इसमें काफ़ी लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज होगा, तो खास करके जिनके कोल्ड स्टोर में ऑटोमाइजेशन नहीं है, वो आप देखेंगे तो उनके कोल्ड स्टोर में जो प्रोडक्ट स्टोर करते हैं उसमें टेम्परेचर में थ्रू आउट द स्टोरेज पीरियड टेम्परेचर वेरिएशंस काफ़ी रहता है। जैसे आपने बोला कि भाई अगर आलू है तो मुझे 3 डिग्री रखना है, खाने वाला आलू है, तो 3 डिग्री आप कितना प्रिसाइसली इसको मेंटेन करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो कोल्ड स्टोरेज के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मॉडिफाइड एटमोसफियर स्टोरेज में आप जैसे लो शुगर पोटैटो से खास करके जो प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी अभी डिमांड में है, फिर कैरट्स है, फिर जिंजर है, गार्लिक है, और एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट अभी है हमारे हिसाब से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू, वो है ओनियंस, फ्रेश ओनियंस। फ्रेश ओनियंस को भी आप अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें आप 4 से 5 महीना स्टोर कर सकते हो, तो वेरी गुड मार्केटेबल क्वालिटी। और आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में ओनियंस में काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं प्राइसिस में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में फोकस करना चाहिए। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है उसको हम मॉडिफाइड एटमोसफियर टेक्नोलॉजी में स्टोर करते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल में और जाऊंगा वन बाय वन, मैं जस्ट आपको एक ब्रॉड आउटलाइन दे रहा हूँ। देन द नेक्स्ट थर्ड डिज़ाइन इज कंट्रोल्ड एटमोसफियर स्टोरेज। तो कंट्रोल्ड एटमोसफियर स्टोरेज है टेक्नोलॉजी, वो मेनली आपके जो हाईली पेरिसेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे कॉमन हो गया एप्लीकेशन एप्पल्स, उसके बाद लाइम है, सिट्रस प्रोडक्ट है, फिर आपके प्रोमोग्रेनेट्स है, अनार जो है, पेयर्स है, एक और प्रोडक्ट है टमेटोस, फिर कैबेज और कॉलीफ्लावर जो पत्ता गोभी है, उसको भी आप सीए टेक्नोलॉजी में 3 से लेके 5 महीने तक, 6 महीने तक फ्रेश कंडीशंस में स्टोर कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए हर एक प्रोडक्ट जो है उसकी एक कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी आप लगाएंगे और उसमें रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सर इसमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार आपका प्रेजेंटेशन हो जाने दीजिए, क्योंकि इसमें आप कोल्ड स्टोरेज से आए हुए हैं, आपके पास ये बिजनेस है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी बेसिक आइडिया भी नहीं है। तो इसमें जो अभी हम लोग इस जो सेमिनार हो रही है इसको 3 पार्ट पे बांटेंगे। एक जनरल प्रेजेंटेशन हो जाता है आपका, उस प्रेजेंटेशन में अपनी क्वेरीज आप नोट कर लीजिए, जिसको हो सकता है बहुत बेसिक क्वेरीज हो, और किन्हीं के लोगों के पास अभी गवर्नमेंट से भी, यूपी गवर्नमेंट से भी हमारे चौहान साहब आ रहे हैं जो इस कोल्ड स्टोरेज की स्कीम्स को देखते हैं। तो पहले आप एक प्रेजेंटेशन हो, यानी एक बेसिक आइडिया सबको लग जाता है, फिर आप क्वेरीज का जो जो स्कीम्स का है वो सेशन होगा, उसके बाद आप क्वेरी सेशन कर सकते हैं, या हम हर सेशन के बाद एक क्वेरी सेशन रख देंगे, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ भी नहीं पता। तो एक बार गो थ्रू हो जाने दीजिए, उसके बाद आप क्वेरीज नोट करते जाइए और हम लोग अलग अलग करके उसको क्वेरीज का ज़रूरी, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोल्ड स्टोरेज है, जैसे मैं जिनको जानता हूँ इतने दिनों से कोल्ड स्टोरेज के लिए 2-3 लोग तो है ही, बाकी अभी इंट्रोडक्शन पार्ट भी हो जाएगा, मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट कराया क्योंकि अभी बहुत लोग, कुछ लोग ऑन दी वे हैं, तो एक ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट भी हो जाएगा। तो अभी बेसिक जो आपका प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाए, जैसे एक आइडिया सबको लग जाए, उसके बाद आप क्वेरीज नोट करते रहिए। देन द नेक्स्ट स्टेज इज फ्रोजन स्टोरेज है, कि फ्रोजन स्टोरेज में आप -18 से लेके -22 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और आप इसमें डिफरेंट फूड स्टफ स्टोर कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फिर आपके सी फूड हो गया, मीट हो गया, जिसको आप अलग अलग प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए हम फ्रोजन स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करते हैं।
एक जो बड़ा सेक्टर अभी धीरे धीरे उभर रहा है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी ओपन्स की है 100% एफडीआई, उसमें रिटेल चेन सप्लाई में काफ़ी कंपनीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी और लोकल कंप्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो एक हमने स्लाइड्स तैयार की है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसको हम वैल्यू एडिशंस बोलते हैं, जिसमें बेसिकली एक फ्रूट राइपिंग सिस्टम्स आ गई, वेजिटेबल जो है फ्रेश वेजिटेबल्स उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग आ गया, जिसमें आप उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके वॉश करके वैक्स करते हैं और उसको मार्केट के लिए डिलीवर करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट इज रिटेल पैकेजिंग है, रिटेल पैकेजिंग भी आजकल बहुत डिमांड में है, जैसे खास करके अब बिग बास्केट है, रिलायंस फ्रेश है, इवन वॉलमार्ट है, मेट्रोस हैं, ये सब कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है इंडिया में वेजिटेबल्स के ऊपर। हमारे गुजरात में भी काफ़ी स्टॉल है, मैंने नॉर्थ में भी, अभी कल मैं दिल्ली था तो वहाँ पे भी काफ़ी स्टॉल देखे, तो उनकी एक कंटिन्यूस डिमांड आती है कि जिनको ये सप्लाई करना होता है। जैसे इस साल में एक डेवलपमेंट आपको छोटा सा बताता हूँ कि जो पेप्सी कंपनी है उसके साथ हमने एक हमारी एक कंपनी ने गुजरात में टाई अप किया है कि जिसको उनको 2000 टन ओनियन है वो थ्रू आउट द ईयर सप्लाई करनी है, और उन्होंने एक कॉन्स्टेंट रेट डिफाइन कर दिया डे वन से कि भाई आप ये रेट पे हमको सप्लाई करेंगे, तो जो कोस्टोज ओनर्स है उसका दायित्व ये है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का ओनियंस अभी जब ये हार्वेस्टिंग सीजन आएगा मार्च अप्रैल उसमें लेके स्टोर करेगा और एज पर देयर डिमांड दे विल सप्लाई इट एंड दे विल गुड गिव इन अ वेरी गुड रेट्स। तो ये रिटेल पैकेजिंग का जो है वो बहुत बड़ा काम है। और एक सेक्टर है उसके साथ जुड़ा हुआ प्री कूलिंग्स, धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स भी अपना बढ़ रहा है, जैसे नासिक है, फिर हमारे गुजरात में काफ़ी पॉकेट्स हैं जहाँ पे प्रोमोग्रेनेट्स है और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए प्री कूलिंग रिक्वायरमेंट्स भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जिसमें आप प्रोडक्ट रहे उसको इमीजिएटली प्री कूल करके उसको आप एक्सपोर्ट्स लोकल मार्केट के सप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट रिलेटेड टू कोल्ड स्टोरेज, तो हम ये बिजनेस एक्टिविटी में फोकस कर सकते हैं। अब एक थोड़ा हमने कैटेगराइज करने की कोशिश की है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कंट्रोल कोल्ड स्टोरेज, तो जिसमें ये आप अवेयर होंगे कि इस तरह का मेजरिंग स्ट्रक्चर्स होता है और उसमें हम आइदर वी डू इट ब्रिक वर्क्स और इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेटर पैनल से इसको इंक्लोज करते हैं और इसमें फिर हम टेम्परेचर्स वो सब मेंटेन करके प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट फॉर मॉडिफाइड एटमोसफियर स्टोरेज, कि जिसमें आप टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करेंगे। जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हाई और लो दोनों ह्यूमिडिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कैरट्स है आपके, तो वो काफ़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है जिसमें आपको बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है, अबव 95 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर द इंजीनियरिंग प्लेज अ रियल वेरी वाइटल रोल, क्योंकि जब आप रेफ्रिजरेशन से ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे तभी ये रिजल्ट्स आपको अचीव होंगे। देर आर स्टोरेज अवेलेबल्स जहाँ पे हम कैरट्स को 9 महीने तक स्टोर करते हैं विद वेट लॉस ऑफ ओनली 2-3% ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड। सेम प्रोडक्ट है जैसे ऑनियंस, तो ऑनियंस के लिए आपको ऑनियन है, गार्लिक है या जिंजर है, उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी लो करनी पड़ती है, सो यू हैव टू कीप अराउंड 65-70% आरएच इंस्टेड ऑफ हाई आरएच, तो उसके लिए फिर आपको ड्यूमिडिफिकेशन सिस्टम्स, एक्स्ट्रा एयर सर्कुलेशन सिस्टम्स ये सब इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है कोल्ड स्टोरेज में, तो बाय दैट वे आप इसको लाइफ जो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि ऑनियन में जो हम लोग 5 महीने तक स्टोर करते हैं तो यू विल फाइंड द सेम कलर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसको आपको पलटी नहीं मारना है, जो हम लोग जैसे चाल में स्टोर करते थे उसको हर 2-3 महीने एक बार पलटी लगाते हैं, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। एंड इस वेट लॉस ऑफ ओनली ड्यूरिंग 5-6 महीने में आपका 5% ही वेट लॉस खाली आता है, मैं स्पॉइलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉइलेज तो बिल्कुल नहीं होता है, बट वेट लॉस भी सिर्फ 5% आता है। तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो चाल अपनी मेथड है जैसे महाराष्ट्र में होता है, हमारे गुजरात में काफ़ी होता है, दिस लॉसेस गोस अप टू 35-50%। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप समझिए कि जो लोग 40-50% वेट लॉस करके इसमें कुछ कमा रहे हैं, तो जहाँ पे आप सिर्फ 5% पे कंट्रोल करेंगे तो 25% अर्निंग आपका एज इट इज़ वहाँ पे बच जाता है कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टोर टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। पिछले 3-4 साल में हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी बड़ा बिजनेस किया हुआ है, तो ये एक मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही आप ये टेक्नोलॉजी में गार्लिक है, जिंजर है, इसको स्टोर कर सकते हैं। गार्लिक को हम लोग 8-9 महीना तक इसमें स्टोर करते हैं प्रैक्टिकली। देन
नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा इथिलीन और ऑक्सीजन कंट्रोल करते हैं। अब जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि हम यहाँ बैठे हैं तो अराउंड 21% ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे। और बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट्स, ये प्रकार के कोल्ड स्टोरेज में आपका 2% तक ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है। सो बाय दिस वे आप उसका रेस्पिरेशन एकदम कंट्रोल करते हैं। मैं उसको अदर लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे आज मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरी एक अलग एनर्जी लेवल कंज्यूम होगी, राइट। अगर मैं सिर्फ खड़ा हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल और थोड़ा कम हो जाएगा कंज्यूम करने का। अब मैं सो जाता हूँ आराम से तो मेरा और कंजप्शन कम हो जाएगा एनर्जी का। सेम वे वी आर मेकिंग फ्रूट्स वेरी अनकॉन्शियस। जैसे आप 1% ऑक्सीजन पे लेके जाएंगे, सबसे कॉमर्शियल एग्जाम्पल एप्पल्स है, तो उसमें आपका रेस्पिरेशन बॉर्डर का बहुत ही कम हो जाता है और बाई देट वे आप इसकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करते हैं उसको। अदरवर्ड्स में आप देखिए तो जब जो नॉर्मल कोस्ट में एप्पल स्टोर करते हैं तो 2-3 महीने के बाद उसका जो इंटरनल पल्प है वो आपका स्पॉन्जी हो जाता है, मतलब आप उसको खाएंगे तो एकदम लूज लगता है। वही चीज़ अगर जब आप सीयर टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वो 6 महीने के बाद भी वो जब आप वो एप्पल को खाते हैं तो यू विल फाइंड सेम फ्रेशनेस। तो देट इज़ अ मेजर डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देट इज़ वाई यू टू सिलेक्ट द राइट टेक्नोलॉजी। अगर आपको सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करनी है तो यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स इन मॉडिफाइड एटमोसफियर और नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज, देन यू हैव टू एडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी हमारे गुजरात एक बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हिम्मतनगर करके, तो अप्रैल मई में हमारा प्रोडक्शन पत्ता गोभी का इतना हो जाता है कि कभी कभी तो कैटल फीड में चला जाता है, 1-2 रुपये केजी हो जाता है। सो इन द सेम सीए स्टोरेज वी कीप इट अप टू 4 मंथ। जून जुलाई में वही पत्ता गोभी का रेट 7-8 रुपया तक आराम से चला जाता है, जो 2 रुपये की चीज़ है। सो हियर द टेक्नोलॉजी प्लेस अ वाइटल रोल। अब मैं उसको उल्टा समझाऊँ कि आप अगर सीए के बदले नॉर्मल कोर्स में रखेंगे पत्ता गोभी का, हो सकता है आपका 20-22 दिन में वो पत्ते हैं वो पीले हो जाएंगे और देन इट विल बी ब्लैकिश, रोटिश हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन योर बिजनेस मॉडल, बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट टेक्नोलॉजी। देर इज नो शॉर्टकट, टू बी वेरी ऑनेस्टली। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई भी एक नॉर्मल कोर्स लगा दिया और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट स्टोर कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सिलेक्ट द राइट टेक्नोलॉजी, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट हैंडलिंग प्रैक्टिस, देन यू विल गेट द एंड रिजल्ट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेजिंग रूम इज अ पार्ट ऑफ पैक हाउस की, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सॉर्टिंग रेडिंग करते हैं, फिर आपको टाइमिंग जहाँ पे इसको होल्ड करना है 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ पे एक स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिसमें आप पैलेटाइज करके मटेरियल रख दो, फिर जब कंटेनर या कोई भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से इमीजिएटली मार्केट में डिस्पैच करो। फ्रोजन स्टोरेज का भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी वेजिटेबल्स हैं आजकल फ्रोजन में कन्वर्ट होने लगे हैं, जैसे कट वेजिटेबल्स है, ग्रीन पीज है अपना, तो उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स फ्रोजन स्टोरेज की है। उसके अलावा सी फूड है, मीट प्रोडक्ट्स हैं, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चीज़ और बटर के लिए भी आजकल -8 मैंडेटरी किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जिसमें काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल्स है। और फूड प्रोसेसिंग के जितने भी सेक्टर्स है उसके लिए भी वंस दे मेड इट फ्रोजन, उसको कंटिन्यूसली आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है -18, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, बिजनेस मॉडल जिसमें आप फोकस कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के स्टेकिंग सिस्टम्स हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट फेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये भी एक बड़ा वैल्यू एडिशन है, जो वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रूट राइपनिंग सिस्टम्स, जिसमें आप बनाना है मोस्ट कॉमर्शियली और मैंगो दोनों को आप जो फूड स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल सिस्टम है इसके उसकी तरह से पका के उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल हमारे नासिक के प्लेयर्स है, अगर आप मिडिल ईस्ट में कोई यहाँ से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे गो बनाना करके एक ब्रांड मिलती है, तो दिस ब्रांड गोज फ्रॉम नासिक। नासिक के जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने एक कोरोगेटेड बॉक्स का पूरा अपना पैकिंग डेवलप किया और उसमें वो रख के मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, जिसमें आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में राइपनिंग करके उसको बेचेंगे। काफ़ी लोगों केमिकल डिपिंग यूज़ करते हैं जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो उसके अल्टरनेट है और उसका बेनिफिट ये भी है कि आप इससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, खाने की जो कंडीशन है वो भी हाइजीनिक है। तो इस पर कंज्यूमर्स इट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि बाकी की जो केमिकल डिपिंग है वो काफ़ी आर्सेनिक्स है, तो काफ़ी इंजरी करता है हेल्थ को और उसके लिए, इसलिए गवर्नमेंट उसको भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है, जिसमें अगर आप रैपिंग चैम्बर लगाते हैं तो 6 से लेकर 8 महीने तक प्लांट को यूटिलाइज कर सकते हैं,
जैसे 2-2.5 महीने आपका मैंगो का काम चलेगा और कम से कम 5-6 महीने बनाना का काम चल सकता है. सो देयर इज अगेन अ गुड वैल्यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये शॉर्टिंग रेनिंग है. काफ़ी लोग इसके ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और आप इसमें अच्छा खासा वैल्यू एडिशन ले सकते हैं, एक मार्जिन कवर ले सकते हैं. जैसे हमारी एक अहमदाबाद की कंपनी है जो इसने रिलायंस के साथ टाई अप किया हुआ है, तो उनका काम सिर्फ इतना ही है कि रिलायंस उसको जो मटेरियल भेजेगा उसको शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उसकी जो पैकिंग है, जैसे 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, 1 किलो है, उसमें पैक करके उनको देना है. और स्पेसिफिकली उसके लिए उनको 3 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है और उसका जो भी चार्जेस एक्सपेंसेस हो कंपनी उसको पे करती है. तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग है वो भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर भी एंटरप्रेन्योर को फोकस करना चाहिए. रिलेटेड टू दिस की सेम रिटेल पैकेजिंग्स के लिए है जिसके लिए आप उसमें काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं एक फूड प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ा आपको एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि जो आने वाले दिनों में काफी देखिए फूड प्रोसेसिंग भी एक इमर्जिंग सेक्टर है कि जिसमें आप काफ़ी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है बट इसमें काफ़ी एडवांटेजेस भी है जिसको हम वन बाय वन एलोबरेट करते हैं. सबसे जो कॉमन फूड प्रोसेसिंग में है जिसको हम IQF बोलते हैं, इंडिविजुअल क्रिप फ्रीजिंग सिस्टम्स, जो एक बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले दिनों में. काफ़ी लोगों की फूड हैबिट चेंज हो रही है, मार्केट भी चेंज हो रहा है. जिसका आपका सिंपल एग्जांपल ग्रीन पीस है जो आप राउंड द ईयर अभी फ्रोजन मिल रहा है. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे मैंगोज है, बराबर, मैंगो क्यूब्स है, कस्टर्ड एप्पल पल्प है. और अगर आप देखेंगे तो जैसे गुजरात की हमारी कंपनी वाडीलाल है तो उनके एक मिक्स वेजिटेबल्स कट करके आते हैं जो रेडी टू मिक्स होता है, जिसमें आपका 500 अगर 500 ग्राम्स का पैकेट है, सैचेट है, तो उसमें आपको बीन्स भी मिलेंगे, कट कैरोट्स भी मिलेंगे, ग्रीन ऐसा मिक्स मिलता है जिसको आप रेडी टू यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेशन है. देन देर इज़ अ नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्ट फ्रीजेस. कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आप ब्लास्ट करके इमिजिएटली स्टोर कर सकते हैं. खास करके ब्लास्ट फ्रीजर और जो प्लेट फ्रीजर है वो सी फूड में काफ़ी यूज होता है. IQF है वो अपर टेक्नोलॉजी. सो जो जिनको मास स्केल में काम करना है और जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने हैं उसके लिए IQF इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी. देन कुछ बहुत ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है बट बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और जिसमें रेफ्रिजरेशन के साथ अंडर लो वैक्यूम करके उसको फ्रीज करते हैं और उसमें से ऑलमोस्ट पूरा जो पानी है उसको इवोपरेट कर देते हैं. तो उसका जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व होता है ये सिस्टम में. बट इट्स वेरी हाईली एनर्जी कंज्यूम सिस्टम है, तो जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप ये एप्लीकेशंस कर सकते हो. और उसमें जब आप फिर से मॉइस्चराइज उसको करेंगे तो उसका सेम नेचुरल टेस्ट आ जाएगा. और उसका एक एडवांटेज ये है कि बाद में आप इसको एम्बिएंट स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज द एडवांटेज. वो पॉपुलर होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी इतना हाई वैल्यू अपने पास है नहीं प्रोडक्ट्स. देन देयर इज अ कैनिंग इंडस्ट्रीज एंड डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज, जिसमें आप कोई भी फ्रूट्स है उसका पल्प निकाल के उसको आप कैन कर दीजिए और या आप डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं. सबसे कॉमर्शियल डिहाइड्रेशन देखिए तो ओनियन फ्लेक्स है, जैसे हमारे गुजरात में महुआ है करके एक प्लेस है जहाँ से ऑलमोस्ट 120 प्लांट्स है डिहाइड्रेशन के, जिनका काम सिर्फ ओनियन जो है उसको डिहाइड्रेट करते हैं, वैसे ओनियंस और अदर वेजिटेबल्स. कुछ बेसिक कंपोनेंट जो है हर एक सिस्टम्स के वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे.
मैं स्लाइड लेता हूँ ताकि पिक्चर के साथ उनको ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए जो हम IQF है तो एक सिंपल स्केच हमने दिया है जिससे आप समझ सकते हो कि इसमें एक क्लोज इक्विपमेंट रहता है कि जिसमें आप वेजिटेबल्स को है यहाँ से बेल्ट से पास करोगे तो -40% टेम्परेचर पे जो अराउंड -32 डिग्री एयर उसमें से सर्कुलेट होती है उसके थ्रू प्रोडक्ट पास होती है तो फिर वो प्रोडक्ट्स अराउंड -18 डिग्री के आसपास फ्रीज होकर आपकी बाहर आती है। तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग्स कि जिसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे ये फ्लूडाइज्ड IQF है उसी तरह रेडी टू ईट्स के लिए आजकल देखिए आप जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या बड़ी होटल्स हैं उसमें देखेंगे तो जो समोसास है ये सब फ्रोजन आने लगे हैं दिस ऑल आर मेड फ्रोजन तो उसके लिए स्पाइरल फ्रीजर यूज होता है जिसमें -40 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको ऑपरेट करते हैं। फ्रेंच फ्राइज इज अनदर कॉमन एक प्रोडक्ट है जो काफ़ी हम लोग यूज करते हैं और आने वाले सालों में उसका भी काफ़ी मार्केट बढ़ रहा है। ये मैं यहाँ पे हर एक चीज़ की एक आपकी प्रोसेसिंग लाइन की जो स्टेज है वो मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे ये सब 3 से 4 हमने कॉमन प्रोडक्ट लिए जो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। अब जैसे आपको पीस के ऊपर प्रोसेस करना है फ्रोजन करना है तो आपको क्या क्या स्टेज उसमें से आएंगे। देखिए ये आएगा डीपाउडरिंग मतलब उसमें से दाना निकालना देन रिकवरी होती है जो अब दाने निकालते हैं तो उसमें कुछ दाने वेस्ट चले जाते हैं उसको भी रिकवरी करना होता है। देन देर इज अ वॉशिंग उसको आप वॉश करेंगे देन यू विल डू द ब्लांचिंग देन यू विल डू द कूलिंग और उसके बाद इंस्पेक्शन होकर आपका मटेरियल जो ब्लास्ट फ्रीजर में जाएगा। सो दीज आर द जनरल प्रोसेस फॉर ग्रीन पीस। उसी तरह से जैसे आप कॉर्न लेंगे तो उसके हमने अलग अलग स्टेज ही दिए हुए हैं। सेम पोटैटो है पोटैटो क्यूब्स और कैरोट क्यूब्स उसके भी आप इस तरह से इसकी प्रोसेस कर सकते हैं। बीन्स है इसको पोटैटो क्यूब्स भी एक फ्रोजन पोटैटो क्यूब्स है वो भी एक अच्छी प्रोडक्ट है जो रिटेल मार्केटिंग के लिए काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है होटल्स इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने के लिए। हमारे यहाँ एक कंपनी है जो जिसने जिनको मैं पर्सनली जिनके प्रमोटर्स को जानता हूँ उनका काम यही है कि जो अंडर साइज आलू है हमारे यहाँ जो हार्वेस्टिंग के टाइम निकलते हैं तो वो कलेक्ट करके उसको कट करके और उसको फ्रोजन करके रखते हैं देन दे सप्लाई टू ऑल द होटल इंडस्ट्रीज। देखिए कि जो आलू है जो अंडर साइज है जैसे हमारे यहाँ गुजरात में प्रोसेसिंग की काफ़ी कंपनीज है जैसे आपके पेप्सी हो गई मैकेंस हो गए बालाजी है हमारे यहाँ तो वो उनका एक रिक्वायरमेंट है कि दे डोंट नीड पोटैटो लेस देन 40 mm तो उसके नीचे की जो अंडर साइज जो भी आलू होते हैं उनको ये लोग इस तरह से प्रोसेस कर लेते हैं तो उसका एक वैल्यू डिस्टेंस हो जाता है। दिस इज द ब्लास्ट फ्रीजर जिसमें एक कंट्रोल कैबिनेट होती है जिसमें आप ट्रे वाइज मटेरियल रख के उसको ब्लास्ट कर सकते हैं जिस इमीजिएटली उसमें आपका टेम्परेचर जो एम्बियंट टेम्परेचर जैसे -18 -20 तक लेके आएंगे। मोस्टली ये सेकेंडरी स्टेज ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको मास प्रोडक्शन करना है यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इतनी सूटेबल नहीं है क्योंकि कंपेयर टू IQF आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बनेगी लेकिन जहाँ पे बेचिस में काम करना है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं या इनिशियल स्टेज पे जब आप एंटर हो रहे हैं और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो दिस इज एक मिड सेगमेंट एंट्री लेवल है जहाँ से आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार वंस यू गेट द मार्केट शेयर्स तो फिर आप उसके नेक्स्ट स्टेज IQF में जा सकते हैं। दिस इज नॉर्मल फ्लो चार्ट फॉर फ्रीज ड्राइंग IQF। जैसे आपने मैंने एक सिंपल मॉडल एक रूट बनाया है कि जिसके आप समझ में आएगा कि आपको किस तरह से उसको प्रोसेस करना है। एंड जैसे आपका ग्रीन फ्रीज है तो उसको पहले डीपोर्डिंग होगा उसके बाद वॉशिंग होगा फिर ब्लांचिंग कूलिंग होकर IQF होगा। अगर आपका
बेबी कॉर्न है या तो मकई है, तो उसको आप हस करके, शेल करके, वॉश करके, फिर ब्लांचिंग करके, फिर आई क्यूएफ करेंगे। जैसे आपका पोटेटो क्यूब्स हो गया, कैरोट्स को हो गया, तो उसको आप पिलिंग करेंगे, टोपेल टेल कटिंग करेंगे, उसके बाद स्लाइसिंग डाइसिंग करेंगे, देन यू विल डू द वॉशिंग, देन यू डू द ब्लांचिंग, एंड देन यू विल डू द आई क्यूएफ लाइक दैट। सेम चीज आपकी बीन्स के लिए हो गई, बीन्स है या ड्रम स्टिक है, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ आई क्यू एफ इज कि वंस यू डू द आई क्यू एफ, द सेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की, वो फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स 9 से लेके 15 महीने तक की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सो आपके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर नहीं रहता है। और धीरे धीरे इंडिया में अभी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हर जगह पर डीप फ्रीजर्स अवेलेबल है, तो ये चेन अभी मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे फ्रोजन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। दूसरा एक इसका एडवांटेज ये है कि जब आप अंडर माइनस 18 डिग्री लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरियल ग्रोथ क्लोज्ड, मतलब एक हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन हो जाती है, तो वो भी एक बड़ा एडवांटेज है कि जिसमें आप हाइजीनिक कंडीशन में प्रोडक्ट को मेंटेन करके डिलीवर कर सकते हैं। दूसरे है कि जब ये आपका एक कंट्रोल फैक्ट्री मेड ये प्रोडक्ट है तो वहाँ पर आप क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब जैसे आप जम्बो पाव देखेंगे बॉम्बे में, तो उसके जितने भी वड़ा पाव के जो वड़ा है वो सब तलोजा में उनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे वो फ्राई करके रेडी रखते हैं, देन दे विल सप्लाई इट। तो आप समझिए कि एक ही जगह से उसका कंट्रोल होके मटेरियल सप्लाई होता है, तो आपका क्वालिटी टेस्ट सबके ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है। सेम आप मैकेंस की फ्रेंच फ्राइज देखिए, यू विल फाइंड सेम टेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया नहीं पर अराउंड द वर्ल्ड। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने सीड से लेकर हर जगह पर अपना कंट्रोल रखा हुआ है, वो स्पेसिफिक सीड अपना उन्होंने बनाया है, वही ग्रो करवाते हैं और उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसके ऊपर वो इसको प्रोसेस करके ही स्टोर करते हैं। यू विल फाइंड सेम टेस्ट अराउंड द ग्लोब, तो इस तरह से इसमें एडवांटेज है। और जैसे फ्रेंच फ्राइज इज अ वेरी कॉमन फैक्टर, वो 90% कुक्ड होता है, तो जब भी उसको रिसर्व करना होता है तो उसका एक टेम्परेचर है, फ्राइंग टेम्परेचर, उसको एक मिनट के लिए आप फ्राई करो देन यू कैन इमीडिएटली सर्व। सो इट ऑल्सो कीप फ्रेश एज वेल एज हाइजीनिक कंडीशन, इसलिए फ्रोजन्स की डिमांड धीरे धीरे हर एक चीज़ में बढ़ रही है। आप अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो हमारे यहाँ एक डीप फूड करके कंपनी है जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, और उनकी यूके और यूएसए में काफ़ी रिटेल चेन है बड़ी, 100% यूनिट है, वो पूरी डिश इंडियन डिश है वो फ्रोजन बनाती है। जैसे हर एक सब्जी हो गई, कढ़ी हो गई, दाल हो गई, इवन रोटीज, दे एक्सपोर्ट रोटीज फ्रॉम हियर, रोटी बना के फ्रोजन करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आपको इसको सर्व करना है, ओवन में डालिए, एक मिनट के बाद आपको गर्म रोटी मिल जाएगी, इंडियन रोटीज डीप फूड, अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो मिलेगा। सेम आपको वाडीलाल का भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मिक्स मिलेंगी, जो समोसा है, पात्रा है, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो लोग डेवलप कर रहे हैं। डीप फूड और दीप किरण उनका यूएस का, यूके का जो रिटेल ब्रांड है वो ऐसा है। जैसे मैंगो पल्प है, तो मैंगो पल्प के लिए लास्ट फिशरी से आइडियल सॉल्यूशंस मिड सेगमेंट में, उसमें आप मैंगो क्यूब्स हैं या जो पल्प है उसको बेच में रख के फ्रोजन करके कर सकते हैं। आजकल राउंड द ईयर यू विल फाइंड मैंगो आइसक्रीम, मैंगो जूसेस, तो उसके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है। काफ़ी जो फ्रूट्स है उसको फ्रोजन करके लोग रखते हैं और फिर उसको ऐसे जूस और उसको यूज़ करके सर्व करते हैं, तो राउंड द ईयर विल गेट द फ्रेश जूसेस और सब। ये ब्लास्ट प्लेट फ्रीजर की एक अदर एप्लीकेशन है, सी फूड में ज़्यादा यूज होती है। इसलिए फ्रीजर मैंने बताया, तो जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट है उसके लिए स्पाइरल फ्रीजर यूज होता है, जिसमें आपका समोसा है, परोठा है, रोटी है, ये सब स्पाइरल फ्रीज में होता है। और ग्रीन पीस है या फ्रेंच फ्राइज है या अदर वेजिटेबल्स है, उसको हम फ्लूडाइज फ्रीजर जो है उसके ऊपर करते हैं। उसके कुछ वीडियोस आपको बताता हूँ, तो यू विल गेट द आइडियाज। एक कोल्ड स्टोरेज वाला जो सेगमेंट है उसके एक ये प्रोडक्ट्स मिक्स सजेस्ट करता हूँ आपको। जैसे हम लोग ये फ्रेश लेमन है वो स्टोर करते हैं, उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये पूरा मटेरियल इस तरह से बीन्स में रखा है, जो मैंने आपको बताया कि हैंडलिंग प्रोसेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जैसे प्रोमोग्रेनेट्स हैं, जिसको हम सीए में इजीली 3 महीने तक स्टोर करते हैं। बेसिकली वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, जैसे हम लोग उसको मल्टी कॉमोडिटी डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, इथिलीन और ऑक्सीजन कंट्रोल देते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स आप इसको सिलेक्ट करिए और यू कैन कीप इट द प्रोडक्ट्स। इसका डिफाइंड पैरामीटर्स अवेलेबल है। यस, बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो उसको आप राउंड द ईयर यूज करो। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू वन प्रोडक्ट। कल को ऐसा हो कि 2 साल के बाद आपकी प्रोडक्ट वो वायबिलिटी नहीं रहती है, फिर आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अब इसका मैं कॉमर्शियल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग सीए में सिट्रस के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सिट्रस और हम ऑनियंस का कॉम्बिनेशंस करते हैं। जैसे हमारे एप्पल हम स्टोर करते हैं, अक्टूबर नवंबर में एप्पल आता है, मार्च अप्रैल तक वो निकल जाता है। सेम अप्रैल के आस अप्रैल मई में आपका ऑनियंस आता है, ऑनियन या गार्लिक। तो अगर वो चैम्बर में हम स्टोर करते हैं तो अगेन वी कैन यूज दिस चैम्बर्स फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अप्रैल मई में आप ऑनियन स्टोर करके अगेन इट विल कम टू अगस्त सितंबर। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आप 2 बार यूज करेंगे तो आपकी वायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस यस यू हैव टू मेंटेन वेरी हाई ह्यूमिडिटी फॉर सिट्रस, और फॉर ऑनियंस के लिए आपको कम करना है। सो दिस पैरामीटर्स कंट्रोल आपको देना है हर एक चैम्बर्स में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आप उसको सिलेक्ट करिए और इट विल रन द सिस्टम्स। अब जैसे सिट्रस है तो उसके लिए वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब फील्ड से आता है तो उसमें काफी बैक्टीरिया और इंजरी साथ में आती है, तो उसको आपको वॉश करके फिर ट्रीटमेंट करके रखना चाहिए ताकि यू विल गेट द मैक्सिमम सेल्फ लाइफ। अगर उसमें कैंकर लगा हुआ है, कहीं से कट किया हुआ है, वैसे आप प्रोडक्ट रखेंगे तो इट विल डैमेज ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड। सो आप इसको बाय कलर, बाय वेट सब ग्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको उसका कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, सो इट विल गिव मोर क्लियर। एप्पल तो सबसे कॉमन है। सो हम लोग ये जो प्रोडक्ट है ये भी आप फोकस करिए, इसमें काफ़ी वैल्यू एडिशंस है। ये एक चीज ऐसा एक टाइम ऐसा आता है जैसे 1-2 रुपये पर केजी हो जाता है, देन विल शूट अप टू 8-10 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सेल प्राइसेस। ये भी सीए के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। आज भी हम लोग सीए मतलब सिर्फ एप्पल सोच रहे हैं, बट बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जैसे एक इसका मैं रिलेटेड टू गुजरात में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्राउंड नट साइज स्टोर करते होंगे। तो नॉर्मल कोर्स में ग्राउंड नट का जो 40 किलो का बैग आता है उसका 7-8 से 10 रुपये रेंट चलता है, राइट। नाउ ग्राउंड नट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अफ्लाटॉक्सिन करके फंगस है जो फील्ड से आती है एक्चुअली। और बाय द वे जब आप इसको स्टोरेज करते हैं नॉर्मल वेयर हाउस में या कोल्ड स्टोरेज में, तो उसमें आपका कंट्रोल्स नहीं होता है प्रेशर, तो वो फंगस धीरे धीरे बढ़ जाती है। और जो खास करके ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ग्राउंड नट्स, और इसमें से जो पीनट बटर्स बनाते हैं जो काफ़ी वैल्यू एडिशन करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि इनकी यूके और यूएसए में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि अगर वो लेवल से ज़्यादा आपका वो अफ्लाटॉक्सिन लेवल पाया गया तो फिर वो आपका कंटेनर लोड पूरा रिजेक्ट होता है। सो नाउ इट्स अ बिग इश्यूज प्रोसेसर्स के लिए। तो सीए में हमने 6 महीने तक अफ्लाटॉक्सिन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और हमारे यहाँ तो ये जो प्रोसेसर्स हैं पीनट वाले, वो अभी ये टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर पेइंग ऑलमोस्ट 2-2.5 times रेंट फॉर देट, क्योंकि उनके जो वैल्यूएशन है वो इनके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। 6 महीने के बाद अगर उनको एक अच्छी कंट्रोल प्रोडक्ट मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक्चुअल पिक्चर्स है स्टोरेज के जो हम लोग स्टोर करते हैं उसमें। जैसे मैं ग्रेडिंग के लिए दिखा देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेडिंग लाइन है बेसिकली। सो आपका जो है बाय वेट, बाय डायमीटर्स, बाय कलर्स भी आप इसको ग्रेड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट द स्टैंडर्ड डेटा। जैसे लेमन है तो इसको हम बाय कलर अभी ग्रेड कर रहे हैं, सो ग्रीन को अलग कर रहे हैं, येल्लो को अलग कर रहे हैं। अगर मुझे उसको लंबा स्टोर करना है तो आई हैव टू कीप ग्रीन लेमन्स। अगर मैं येल्लो लेमन को स्टोर करूँगा तो मुझे सेल्फ लाइफ कम मिलेगी ना। वो प्रैक्टिकली मैन्युअली ग्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है,
तो फॉर देट यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सिस्टम कि जिसमें आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड हो जाए। दूसरा फायदा क्या है कि जैसे इसमें जितने भी एग्जिस्ट है उसमें आप वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपोर्टर को मटेरियल सप्लाई करना है जिसका रिक्वायरमेंट है कि भाई 1 kg में मेरा 5 फ्रूट आना चाहिए, तो आप ये एग्जिट में 200 ग्राम के हिसाब से फ्रूट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इवन अनस्किल्ड पीपल कैन बी यूज, वहाँ पे आपने आदमी बिठा दिया वो 5 फ्रूट रखेगा तो अपने आप 1 kg वेट हो जाएगा। यू डोंट नीड द स्किल पीपल्स लाइक दिस। कंपनीज आर गिविंग 2 to 2.5 रुपीज पर kg फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स प्रैक्टिकली। और मैं कुछ प्रोसेसिंग्स की वीडियो दिखाता हूँ आपको। वो भी कर सकते हैं अभी एयरस में आता है, बट लोग रैकिंग वो सब तो यूज़ करने लगे हैं। दैट्स प्रैक्टिकली काफ़ी स्टोरेज में यूज़ है। हमारे चौहान साहब बीच में आ गए हैं जो इस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को यहाँ पे देख रहे हैं। स्पेशली यूपी गवर्नमेंट में जो कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है और जो मिशन है वो अलग अलग तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अभी क्योंकि हमारे योगेश जी काफ़ी डिटेलिंग में गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा टाइम इसको स्लॉट को रोकते हुए मैं 5 मिनट, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हैवी हो रहा है सेशन, तो आप आ जाइए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक राउंड ऑफ सेशन ले लेते हैं, क्वेरीज ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जो आपके वीडियोज हैं उसके बाद जो क्वेरीज से रिलेटेड हैं उसको आप शेयर कर दें। और सेकेंडली कुछ लोग बेसिक क्वेरीज जो है वो क्वेरीज भी ले ली जाती हैं, जिसको हम लोग एक बार आप इधर आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेरीज का जवाब दें, मैं उनकी तरफ से क्वेरी पूछूं, क्योंकि मैं भी इसका ट्रेनी हूँ, मैं कोई तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि बहुत लोग इससे परिचित नहीं हैं। जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो इससे परिचित हैं। इसका जो उद्देश्य है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों को नॉलेज देना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME का इनिशिएटिव है, जिसके तहत ये इनक्यूबेटर इस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप इनक्यूबेटर्स को जानते होंगे तो मेडिकल टर्म्स का नाम सुना होगा, जो लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में भी जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि बहुत तरीके से बहुत सारे इनक्यूबेटर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। वैसे ही इसमें यूपी में एक इनक्यूबेटर इस्टेब्लिश हुआ है, 3 इनक्यूबेटर्स हैं अभी तक जहाँ तक हमारी नॉलेज में है। एक IIM लखनऊ के पास इनक्यूबेटर है, एक IIT कानपुर के पास है, और तीसरा इनक्यूबेटर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और पहला इनक्यूबेटर है जो, और वो दोनों गवर्नमेंट के इनक्यूबेटर्स हैं जो हम लोगों समाधान के साथ इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने।
जब इनक्यूबेटर्स की बात होती है तो ये होता है कि ये वर्चुअल इनक्यूबेटर है बेसिकली, क्योंकि जो इनक्यूबेटर्स बाकी दो जगह एस्टैब्लिश किए गए हैं वो किसी न किसी प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते किए गए हैं कि इनोवेटिव आइडियाज जो वहां पे हैं उनसे लोग हैंड होल्डिंग करें और उसके बाद जाके वो बिजनेस को रन करें। ये जो इनक्यूबेटर है वो वर्चुअल इसलिए है कि हमने इसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे अभी ये लाइव है जहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हैं ये यूट्यूब पे भी लाइव है और फेसबुक पे भी लाइव है और इसको इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको पूरा मिलेगा। तो इसमें हम लोग ये ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक दो तीन माध्यम से जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें एक जैसे आपने देखा कि आज एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े हैं जिसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो यही है हमारी 50 लोगों की, कि लोग वन टू वन अपनी क्वेरीज को, कोई बड़े ऐसे ऐसे सेशंस ना हो जहां पे लोग जाते हैं और सुन के चले आते हैं। अभी सर को मैंने रोका था कि क्वेरीज ना करें, लेकिन एकदम से ओपन है हम लोग, जब क्वेरीज होंगी तो वन टू वन सारी क्वेरीज का सोल्यूशन यहाँ से जाना चाहिए और जो एक्सपर्ट हैं इसमें और साथ में जो लोग कोल्ड स्टोरेज की फील्ड में हैं वो अपने आइडियाज अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, उसको लेके एंटरप्रेन्योर्स जो और लोग हैं जो एकदम बेसिक नॉलेज रखते हैं वो उस एक्सपीरियंस को कम से कम आगे फॉलो करें उसको। सेकेंडली मैंने जो है वो गवर्नमेंट से भी यहाँ पे लोग हैं जो आपको इसके पूरी प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि कैसे इसको जो है वो इसमें आपकी नर्चरिंग कैसे हो, आपको कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो एक इसका ये आइडिया है। दूसरा हम लोग जैसे कोल्ड स्टोरेज पे आपको बुलाया है वैसे हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा एक मोबाइल ऐप भी है जो एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है और जो मोबाइल ऐप है वो एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव है, जिसमें आपको करीब अभी हम लोगों ने 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के वीडियो आपको पूरे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जिसमें आप जाके किसी इंडस्ट्री का टोटल प्रोसेस देख सकते हैं कि वो इंडस्ट्री वो बेकरी हो सकती है, वो पोल्ट्री हो सकती है, वो कैटल फीड हो सकती है, जिसमें हमने पूरे अभी क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का ये पहला सेशन था और हमने अभी इंडस्ट्रीज में नहीं गए, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, लेकिन हम वो वीडियो भी उसमें शेयर करेंगे जिसमें आपको पूरा कोल्ड स्टोरेज के फ्रॉम दी ग्रेडिंग से लेके और फ्रोजन प्रोडक्ट जहां तक कोल्ड चैन के थ्रू रिटेलर तक पहुंचता है वहां तक का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करें। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी उसमें वीडियोस हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनके पीडीएफ फाइल्स भी हैं, तो इसका जो उद्देश्य है वो बताना जरूरी था क्योंकि आप जहां आए हैं वो क्या है, आपका इसका पर्पस क्या है। तो आप जहां आए हैं वो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनक्यूबेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया है, वर्चुअल इसलिए है क्योंकि ये नॉलेज आपको इंडस्ट्री में जाके नहीं, आपके मोबाइल ऐप के थ्रू आपके आप यहाँ सेमिनार में आए हैं तो भी सिर्फ आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कहीं पे भी देख सकते हैं। जो पहले सेमिनार्स हो चुकी हैं, जो पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रीज विजिट की, इंडस्ट्रियल टूर किए हैं, जो एक्सपर्ट्स लेक्चर्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो उनके वीडियोज हैं, वो आपको किसी अथॉरिटी के द्वारा आपको समझाते हुए उनके वीडियो रिकॉर्डेड भी होंगे और पीडीएफ फाइल्स भी होंगे जिनको स्कीम्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग क्वेरीज नोट कर रहे हैं, यहाँ से भी जो लोग जाएंगे उनके ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रखेंगे और वो ये सारा प्रेजेंटेशन भी वापस उस पर हम लोग मेल कर देंगे, तो आप क्वेरीज रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन भी आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। योगेश दहिया जी का आप मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, इसके बाद जो भी आप इसमें उनके साथ फीडबैक लेना चाहते हैं वो आप फीडबैक ले सकते हैं। तो बेसिक ये था, लेकिन अब योगेश जी से मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मेरी तरफ से हैं या आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस, अभी हम चाहते हैं एडवांस क्वेश्चंस नहीं चाहते हैं, जैसे जो कोल्ड स्टोरेज के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानना कि कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम, पैक हाउस, कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज और सीए कोल्ड स्टोरेज, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम से मैं चाहूंगा कि चौहान साहब उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कैसे कैसे इस पे वो कर रहे हैं हम लोग। बैंक स्कीम जो इसमें सब्सिडीज स्कीम्स हैं वो मनोज जी बता देंगे, मैं भी उनके बारे में बता दूंगा। तो बेसिक क्वेरीज के लिए जो आपके पास बेसिक क्वेरीज हैं उसके लिए योगेश जी ओपन है, तो बेसिक क्वेरीज आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, आपसे शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन भी देते जाइए तो साथ साथ में होता जाएगा। उसके अलावा
पिछले 1.5-2 साल से कुछ गांव से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी 3 दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू समवन की लेट्स थिंक अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो हम लोग यही सोच रहे हैं। उन्होंने जिनसे मेरी बात हुई बोले यार मुझे तो ABCD नहीं आती, मैंने कहा मुझे भी नहीं आती बट वी कैन ऑलवेज लुक फॉर सम कंसल्टेंसी। तो उसके नेक्स्ट डे शायद आई रिसीव्ड अ पॉपअप फेसबुक पे, मैंने पहले देखा था, तो मैं शायद वो एक कहावत है शाहरुख खान की मूवी, पूरी कायनात क्या करती मिला देती है, तो कुछ ऐसा ही मेरे को लगा, तो लेट्स टेक आउट टाइम। तो लकी इनफ कि इस तरह की चीज़ें एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ आपको सामने वन टू वन फेस टू फेस इंट्रैक्शन और बुकेश या ओवर दी फोन, वो मुझे नहीं मालूम, बहुत फ़र्क है। और एक इंटरेस्ट बिकॉज आप जब गांव में जाते हो, तो मैं अभी आलू की जब अक्टूबर नवंबर में आई थिंक नवंबर दिसंबर में जब फसल निकल रही होती है, तो मैं कई बार पूछता हूँ यार ये कितने का दे रहा होगा बोरा भर के, कहता है अरे सर ले जाइए 100 रुपये में पूरा बोरा दे देगा। मैंने कहा यार यहाँ से बाहर जाओ बख्शी का तालाब में तो ये तो जस्ट दुगना बिकता है, प्लस फिर आप अगले दिन पढ़ते हो आलू बेकार हो रहा है, फसल बेकार हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक थॉट है कि एज अ सिंसियर सिटीजन अगर मौका मिल सकता है तो वाई नॉट, एक नेशनल थीम आजकल चली है कि फार्मर की इनकम को दुगना करने का, तो मे बी अ स्मॉल स्टेप, मे बी अ स्मॉल स्टोरेज सॉर्ट ऑफ अ थिंग कैन हेल्प अस। सो इसी आइडिया से मैं तो आया, प्लस मुकेश सर का तो फैन हुई हूँ, तो इनसी बहाने इनसे मुलाकात हो जाती है, अदरवाइज कहाँ फिर। थैंक यू फॉर डूइंग दिस इनिशिएटिव एंड ऑल। इट्स रियली, सर ने जो कहा कि नीड तो कोल्ड स्टोरेज की वही है, कि अगर हम आज की डेट में जो फार्मर सफर कर रहा है और जो रिटेलर सफर कर रहा है, रिटेलर को मैक्सिमम कॉस्ट देनी पड़ रही है, वही चीज 12 रुपए में मिलती है, फिर कब 120 में हो जाती है पता नहीं चलता रिटेलर, लेकिन दोनों तरीके से, और किसान बेचारा वो उसको बोरे में और बेचने को तैयार है, तो ये नीड ऑफ दी इंडस्ट्री है, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इसको इतना प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन आज भी 75% कोल्ड स्टोरेज, जो यूपी में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जिसमें आज भी 75% चीजें जो है वो पोटैटो से आगे नहीं बढ़ पाई है, सिर्फ पोटैटो बेस्ड है। तो आज का सेशन इसीलिए कि इसमें नए एवेन्यूज क्या है और कैसे कैसे इसको बढ़ सकते हैं, तो सर से मैं बेसिक फॉर्म ऑफ दी जो कोल्ड स्टोरेज है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मुझे लगता है आज ये बेसिक क्वेश्चन सही बात है कि एक चीज़ है कि जब स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल पोटैटो ही आता है, उससे आगे हमने एक्सप्लोर नहीं किया है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। पर देर आर सो मेनी कमोडिटीज़ कि जिसमें आप स्टोरेज टेक्नोलॉजी करके उसका एडवांटेज ले सकते हो, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट आपको लिस्ट आउट की जो एक बड़ा बास्केट शेयर कर दिया, जैसे आपका ओनियन हो गया इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू पोटैटोज, और ओनियन में भी इतनी ही वायबिलिटी है कि जिसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, जो आप ओनियन स्टोर करके उसका एक वैल्यू डिस्टेंस ले सकते हैं। उसी तरह से आने वाले 2-3 साल में आप देखिए कि जो पल्सिस है, ऑलमोस्ट ऑल द पल्सिस आर नाउ कमिंग टू द कोल्ड स्टोरेज। देखिए जो नॉर्मल वेयर हाउसेज है उसमें पहले ड्राई वेयर हाउसेज में रखते थे, लेकिन उसमें फ्यूमिगेशन वो सब काफ़ी काम बढ़ रहा है अभी, और बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स हमारा जो नॉर्मल वेयर हाउस है रूफ टॉप से मेनली इंसुलेटेड नहीं है, तो हीट जो गेन डिफरेंस है काफ़ी बढ़ जाता है डे टाइम में और नाइट में, तो उसकी वजह से भी नॉर्मल वेयर हाउस में लॉसेस बढ़ने लगे हैं। तो आप देखिए कि हमारे गुजरात में तो इतने काफ़ी स्टोरेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पल्सिस पे चल रहे हैं, कि जिसमें आपके चना हो गया, राइस हो गया, इवन गेहूँ व्हीट ये सब उसमें स्टोर होने लगा है और बल्क क्वांटिटी में स्टोर होने लगा है, जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं तो आपको फ्यूमिगेशन वो सब चीज़ नहीं करनी पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि वन इज कम्स टू द कोल्ड स्टोरेज, आपका लॉजिस्टिक्स काफ़ी डिफाइन हो जाता है, कि भाई आप बोलेंगे कि भाई आज 50 बैग डिलीवर करो तो कोल्ड स्टोरेज वाला प्लान करके आपको सप्लाई कर देता है, तो आपका जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो उसमें पूरी निकल जाती है, तो ये सब एक एडवांटेजेस है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप फोकस करके अर्निंग्स के अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं और वायबल प्रोजेक्ट हो सकता है। पैक हाउस और कन्वेंशनल और सीए तीनों में क्या डिफरेंस है? कूल रूम जैसे पैक हाउस में मुझे लगता है वो भी इतना ही बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप फार्म लेवल पे एक मिनिमम स्केल पे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कि जिसमें आप फार्म लेवल पे प्राइमरी शॉटिंग ग्रेडिंग और प्रीकूलिंग जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे
तो काफी इसमें एडवांटेज मिलेगा। सबसे कॉमन एग्जांपल अब नासिक महाराष्ट्र में देखिए ग्रेप्स के लिए, आज अपने महाराष्ट्र से काफी टन्स ऑफ ग्रेप्स है वो एक्सपोर्ट हो रही है। उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन ये है कि बहुत सारे प्री कूलिंग सेंटर्स नासिक में अवेलेबल है, जैसे ग्रेप्स है, प्रोमोग्रेनेट्स है, तो उसके लिए प्री कूलिंग इज मस्ट। कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट हार्वेस्ट होती है आपको 3-4 घंटे में उसको ला के प्री कूल करना है, टेम्परेचर में लाना है इमीजिएटली, विद इन 6 आवर्स यू टू कीप टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। और दिस आर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। 2019 में एक बड़ा चेंज अपीडा की तरफ से भी आ रहा है कि जिसमें आपको अगर एक्सपोर्ट्स करनी है चीज़ तो यू नीड अपीडा अप्रूव्ड सर्टिफाइड पैकहाउस। अभी आप देखिए मेरे ख्याल से यूपी में बहुत ही कम पैकहाउस है, तो अगर आप सर्टिफिकेशंस लेके उस तरह से पैकहाउस बनाते हैं तो आपके लिए राउंड द ईयर बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स अलग अलग पैक करके आप जो आपके एक्सपोर्टर हैं उनके भी आप में आप उसको काम कर सकते हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो पैकहाउस में आप करेंगे तो प्राइमरी सॉर्टिंग ग्रेडिंग पी कूलिंग और पैकेजिंग सिस्टम आ गया, और एक छोटा सा स्टेजिंग रूम होगा कि जिसमें आप 4-5 दिन का जो है होल्डिंग करेंगे मटेरियल, ताकि आपका जो एक्सपोर्टर है जब तक कंटेनर वो सब एक्सपोर्ट मैनेज करेगा तो उसके बाद आप उसको सप्लाई कर सकते हो। तो पैकहाउस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कोल्ड चेन। सो बेसिकली मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो आई एम एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, आई रिप्रेजेंट लखनऊ एंजल नेटवर्क, हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं काफ़ी डिफरेंट एरियाज में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अमन शाहपुरी जी हैं, माई नेम इज़ अमन शाहपुरी, मैं लंदन में था काफ़ी टाइम तक, मेरे को लखनऊ अभी ऑलमोस्ट 3.5-4 ईयर्स हो गए हैं हुए। मुकेश जी के साथ वी डन फ्यू थिंग्स बिफोर। सो एट मैक्रो लेवल अगर आप देखें तो इसमें एनी गवर्नमेंट रिसर्च और एनी थिंग टू आइडेंटिफाई द मार्केट गैप अपॉर्चुनिटी, कितना ऑर्गेनाइज है, कितना अनऑर्गेनाइज है, रेवेन्यू पोटेंशियल? सी बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस में ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट लेवल होता है इसलिए जाता है, बट दूसरा इसलिए भी जाता है कि उन गैप्स को वो कैसे एफिशिएंटली प्लग कर सके और उससे कमर्शियली ड्रिवन एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ा सके। तो कोई ऐसा गवर्नमेंट का कुछ रिसर्च पेपर या कुछ, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री, तो क्या है फूड प्रोसेसिंग? एवरीबॉडी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट बट वी डोंट नो लाइक व्हाट इज द रियल पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड वेयर आर वी राइट नाउ एंड वेयर वी कुड गो, व्हाट इज द गैप एंड व्हाट वी कैन डू। आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे यहाँ, बट उसको आप अदर वे में ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जैसे हर एक स्टेट के अपने प्रोडक्शन डेटा, जैसे सर नेशनल मिशन से है तो हर एक स्टेट के अपने प्रोडक्शन डेटा से हैं, राइट? और जहाँ पे भी MOPA की नोडल एजेंसी है उनके पास प्रोसेसिंग का डेटा है, अगर वो दोनों आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उसका गैप मालूम पड़ जाएगा स्टेट वाइज। ये मुझे लगता है बहुत ही सिंपल तरीका है जहाँ से आपको उसको गैप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसा दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अदर फॉर्म में नहीं है बट part available for very top line numbers. As if, for example, I'm connected with the dairy industry, to mujhe pata hai ki kitna abhi production ho raha hai, how much is unorganized sector, I mean close more than 70% is still unorganized sector, aur kitna spillage ho raha hai, kitna wastage ho. So top line when we look at the whole project we know ki you know there are certain gaps which we can fill. Yes. We know from, see, we are 1.2 billion people, to food processing mein definitely there's a scope, but How can we quantify that at the top line level? वो obviously reports के through we can find out, but basic कुछ अगर आपके पास अभी यूपी गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2017 आई है जिसको मैं शेयर कर लूंगा, जिसमें आपको सब्सिडी भी है, उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, जिसमें शायद अभी सर बताएंगे 100% इंटरेस्ट तक वेवर है, 7% था जिसको 7% तक के आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी है और कैपिटल सब्सिडी भी है। तो 2017 जो आपकी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है उसका बेसिक मैं आपसे पूरा शेयर कर लूंगा, तो उसमें कुछ भी प्रोसेस करते हैं, और कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इसलिए इंटरलिंक है जैसे सर ने बताया कि बहुत सारा फ्रोजन फूड्स आप रख सकते हैं थ्रू सम प्रोसेसिंग, और उसको आप प्रोसेसिंग के लिए अलग आप उसको कर सकते हैं और साथ साथ में स्टोरेज फैसिलिटीज भी उठा सकते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। तो उसको कैसे, उसको फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, हम लोग अभी बिजनेस मॉडल पे एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो बेसिक उसकी फूड पॉलिसी है वो हम आपको शेयर कर लेंगे, और कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग कंपोनेंट वाइज अलग अलग उसके वाइज है, उस पर भी सर अभी बात करेंगे। सर अभी
जैसे आपने पूछा है कि बेसिकली यूपी जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है हमारा, अगर आप पूरा स्टडी करेंगे उसको तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हम लोगों ने बांटा हुआ है उसमें, चाहे आपका ईस्टर्न यूपी हो, सेंट्रल यूपी हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, वहाँ पे कुछ क्रॉप्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी हुई हैं कि जैसे सपोज माना गाजीपुर है तो वहाँ पे टोमेटो है, बलिया है तो जैसे वहाँ पे जो जो आपकी जो बड़ी वाली जो जो लाल मिर्च होती है, भरवा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी एक्सपोर्ट भी होती है। तो ऐसे ही जैसे आपका आगरा में जैसे ताज जो वहाँ पे जो पेठा है हमारा, तो ये इवन पेठा को आप इन ब्राइन सॉल्यूशन में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया उशिया में बहुत डिमांड है इसकी। तो अभी बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिसको अभी हमें दोहन करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ यूपी में क्या दिक्कत है कि जो बैकवर्ड लिंकेज है वो बहुत पुअर है अभी। फार्मर्स देखिए, वेजिटेबल्स इतनी अच्छी क्रॉप्स है जो 3 महीने में क्रॉप्स आपकी तैयार होके हो जाती है, फार्मर्स आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, बशर्ते उसको रेगुलर सप्लाई आप लेते रहो उसे। हो क्या रहा है कि सपोज माना आपने किसी एक छोटे से ग्राम पंचायत में, न्याय पंचायत में या ब्लॉक में आपने कुछ फार्मर्स को मोटिवेट करा, तो वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो रेगुलर सप्लाई हो पाए, उसकी वजह से यूनिट वहाँ पे सीख हो जाती है। कंसल्टेंट ऐसे आते हैं कई जगह, वो आपका यूनिट लगवा के चले जाएंगे। सपोज माना आपने IQF यूनिट की बात करी अभी और रॉ मटेरियल्स आपके आसपास में नहीं है, तो वहाँ पे CA स्टोरेज भी बिल्कुल नहीं लग सकता। CA स्टोरेज को 72 आवर्स से ज़्यादा लाइफ ही नहीं है। अगर आज आपने हार्वेस्ट किया है तो यू हैव टू पुट द योर कमोडिटीज विद इन 72 आवर्स इन योर CA स्टोरेज। नॉर्मल स्टोरेज की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप वो नहीं करोगे फॉलो स्टैंडर्ड, इसी वजह से आप देखें अडानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में क्यों कोल्ड स्टोर जाके लगाया, क्यों उसके कामयाब हैं उसके, वहाँ पे कुंडली के पास में जो इंडियन रेलवे का क्यों हमारा फेलियर हो रहा था, CA स्टोरेज, कई CA स्टोरेज कुंडली में बंद हो गए थे जो आज से करीब 10-12 साल पहले लगे थे वहाँ पर। तो फेलियर भी हैं इसमें। CA स्टोरेज बहुत सोच समझ के हमें लगाना है उत्तर प्रदेश में। अभी ऐसी स्टडी हम यहाँ, चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश में अब जैसे एप्पल की बात करते हैं हम लोग, CA स्टोरेज के लिए 8 महीने, 9 महीने या 6 महीने आप रख सकते हैं। लेकिन वही जो मैंने कहा है, जो सप्लाई चेन है आपका, सप्लाई चेन सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, फार्मर से लिंक हमारा सीधे नहीं होगा अप टू द कोल्ड स्टोरेज तक, तो वो क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे जिससे कि कंपटीशन में, मार्केट में कंपटीशन में आप टिक पाओगे आप उसमें, क्योंकि एक एक सेब की कीमत है उसमें। ऑनियन फ्लेक्स महाराष्ट्र में, गुजरात में क्यों है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमें कमोडिटी वाइज हमें स्टडी करके वो हमें अपने यहाँ पे मॉडल बनाने, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट तैयार है। अभी जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो पीछे जो डिक्लेयर भी करा था कि जो हमारे यहाँ पर ब्लॉक ऐसे बचे हैं कोल्ड स्टोरेज के, जहाँ पे उस ब्लॉक में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल 15% सब्सिडी कोल्ड स्टोर लगाने के लिए दे रही है। तो वहाँ पे आप प्रमोशन एवेन्यूज आप अपने एक्सप्लोर कर सकते थे वहाँ पर। अभी जैसे शुक्ला जी बता रहे थे कि जो अभी हम लोग ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी जो लॉन्च करी है, उसमें अब हमने ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन हम लोग लेने वाले हैं। हमारा पोर्टल तैयार हो गया, लॉन्च भी हो गया था, माननीय डिप्टी CM सौरभ द्वारा कर दिया गया है उसमें। तो आप uphorticulture.gov.in पर आकर आप, हम कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं लेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें। तो आप उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारी चेक पॉइंट दे रखे हैं उसमें, उसका GOV है सारा उसमें, हम वो पूरी चीज़ आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे आपके मनोज गुप्ता जी के पास, कोई ऐसा वो नहीं है। और उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद इन नो टाइम्स में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने कंप्लीट है, कितने इनकम्प्लीट हैं आपके उसमें। तो जो अभी MSME की बात हम कर रहे थे, जिसमें 5 करोड़ से जो नीचे की यूनिट्स हैं, 5 करोड़ तक की, जिसमें प्लांट मशीनरी की जो कॉस्ट है, जो MSME की डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो अभी फिर अभी चेंज हुई है कैबिनेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है, वो तो अभी आने वाले समय में आएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में ये है कि 5 करोड़ तक प्लांट मशीनरी पे जो लागत है वो आपकी माइक्रो उसमें यूनिट में आती है, माइक्रो स्मॉल में, तो उस पर हम लोग 100% जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो हम आपको रीएम्बर्स करेंगे। अगर माना आपने 5 करोड़ तक का लोन लिया है सपोज, इसको ऐसे मान लीजिए बैंक से 12% पर, तो आपका लगभग 60 लाख रुपया पर ईयर का लगभग आपका जो है लोन बैठेगा, जो इंटरेस्ट ब्याज बैठेगा, तो वो 60 लाख रुपये तक का जो रीएम्बर्समेंट है अप टू 5 ईयर्स, वो स्टेट गवर्नमेंट आपको रीएम्बर्स करेगी थ्रू बैंक। सिमिलरली आपको कैपिटल सब्सिडी 25% मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ उसी प्लांट के ऊपर, वो भी आपको साथ में मिलेगी उसमें। मतलब अगर कहने का अर्थ है कि वो उसकी कैपिंग हमने क्यों कर रखी है कि 50 लाख, क्योंकि जैसे आप 5 करोड़ की कोई यूनिट लगाते हो तो उसमें करीब 2 करोड़ की आपकी मशीनें लगती हैं लगभग,
तो 25% जो है वो आपको सब्सिडी जो है कैपिटल सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी उसमें अलॉन्ग विद योर इंटरेस्ट सबवेंशन. आप जमीन खरीदना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर किसी भी इलाके में जाके, वहाँ भी कैपिंग कर रखी है बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में और इधर ईस्टर्न यूपी में आप जाएंगे तो वहाँ पे 100% आपको कैप जो है जो स्टैम्प ड्यूटी छूट है वो आपको पूरी मिल जाएगी. 5 करोड़ से ऊपर वाली यूनिट्स के लिए जो आपका मंडी छूट है आपकी, मंडी जो मंडी से ऐसे मंडी ड्यूटीज है आपकी 2.5% की, वो भी आपको छूट जाएगी. तो अगर आप देखें पूरा का पूरा जो कि एक मतलब आपके पास प्रोस्पेक्टस जितने भी हैं वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पर. तो मेरा कहना ये है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे जाना चाहें थोड़ा सा उसकी मार्केट स्टडी करवा लें, बैकवर्ड लिंकेज कर लें जिस जगह आप हम लोगों से डिस्कस कर लें. हमारे हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर्स के. यहाँ उद्यान भवन में हम लोगों का हेड ऑफिस है, उसकी आप सेवाएँ ले सकते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग आप कर सकते हैं उसमें. एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज का समय फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सैनिटेशन का है. अभी जैसे आपने बताया था एफ्लाटॉक्सिन की बात बताई थी ग्राउंड नट्स के बारे में, तो अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल वहां पर नहीं होगा, जैसे 2 साल पहले सबको पता है उसका मैगी का केस, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई भी मैगी ने कर लिया था कि कहां से उसको ये बॉटलनेक मिला था, उत्तराखंड में रुद्रपुर के प्लांट से उसको मिल पाया था. हुआ क्या था कि वहां का जो पानी था उसमें जो लेड लेवल था आर्सेनिक था वो था बेसिकली. गेहूं पैदा हुआ वहां पे किसान का, कोई फॉल्ट नहीं था. जब गेहूं के एनालिसिस जब उसको मैदा में कन्वर्ट करा तो बेसिकली पेस्टिसाइड रेजिड्यू वहां से और जो हैवी मेटल रेजिड्यू वहां से निकल के आपके फूड में जाके मिक्स हो गया. फूड प्रोसेसिंग ऐसी विधा है कि अगर आपका रॉ मटेरियल आपने कंट्रोल नहीं करा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोगों ने फार्मर्स को अवेयर नहीं करवाया, ऐसी कोई साइंस नहीं है दुनिया में कि जो आपके फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे. अगर माना मिल्क में कोई एडल्ट्रेशन हो चुका है पहले से और उसका आपने छेने का रसगुल्ला बना लिया या कुछ भी मिठाई बना ली, तो वहाँ से जो जब वो उसकी टेस्टिंग होगी फूड की वहाँ से पकड़ में आ जाएगा वो. तो कहने का अर्थ यह है कि फूड प्रोसेसिंग वास्तव में सनराइजिंग सेक्टर्स है. बस हमें एक ये वो आगे प्रयास करना है कि हमें जो हमारा फार्मर्स है उसको भी हमें अपने साथ लेकर उसको अपडेट करना नॉलेज को, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग क्वालिटी तो क्वालिटी बाद में नहीं बना करती फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, वो आपके बैकवर्ड लिंकेज से ही बनेगी. तो इन सब चीज़ों में आप लोगों की जो है वो हम चाहते हैं कि आप कदम से कदम मिला के चलें. और 21-22 फरवरी को आपको पता ही है यूपी इन्वेस्टर समिट हो रही है. आप में से अगर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप प्लीज उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें, आप एज ए डेलीगेट आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपका मोस्ट वेलकम. फूड प्रोसेसिंग में अभी तक लगभग हमारे पास 10-12 हज़ार करोड़ से ज़्यादा के ऑलरेडी प्रपोजल आ चुके हैं जो लोग उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं. आप में से यदि जो लोग भी MOU साइन करना चाहते हैं हमारे पास, तो वो भी आपके लिए द्वार खुले हुए हैं. आप उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक हमारे लिए रोड मैप बन जाएगा कि आने वाले 5 साल में कहाँ कहाँ पर किस किस जिले में किस किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट जो है लेने के लिए या करने के लिए आप लोग इच्छुक हैं, चाहे वो आपका वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, मिनिमल प्रोसेसिंग हो, IQF हो, कोई भी सेक्टर्स हो. आपको ये भी पता होगा कि जो संपदा योजना आपने सुनी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी वाली, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वाली, उसका ऑलरेडी एड निकला हुआ है, 31 मार्च लास्ट डेट है उसकी. अभी जैसे आप शुक्ला जी ने भी बताया कि जैसे कि जगह जगह पर आपको माना योगेश जी ने बताया कि आपको एपिडा के सहयोग से इंटीग्रेटेड पैक हाउस आप लगा सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में. तो वो रूरल एरियाज में अगर माना हमें ये वैल्यू एडिशन सेंटर्स अगर हमें खोलने हैं, हमारा प्लान है, और उसको लिंक करना हमने किसी मेगा फूड पार्क से या फूड पार्क से, तो ये बहुत अच्छा है. इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास जिसमें 35% सब्सिडी अप टू 5 करोड़ तक की वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और उसके एडिशनल में 10% कैपिंग हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी आपको कैपिटल सब्सिडी देगी अगर आपका कोई प्रोजेक्ट संपदा योजना में पास हो जाता है तो वहाँ पे यूपी के लिए. इसी ढंग से मेगा फूड पार्क है, अगर माना मेगा फूड पार्क आप यूपी में लगाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट आपका मेगा फूड पार्क पास कर देती है, तो उसमें भी एडिशनल जो वहाँ तो 50 करोड़ को भी सब्सिडी आपको मिलेगी ही इंडस्ट्री, लेकिन एडिशनल 10% जो सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको मुहैया करवाएगी. ये है कैपिटल सब्सिडी. इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबवेंशन मैंने आपको योजना बताई है वो अलग है, 5 करोड़ तक की 100%, 5 करोड़ रुपये से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें 7% जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन वो आपको मिलेगा उसमें.
तो साथियों इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, अगर आप चाहें तो उसका बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसका वो उपयोग कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें दे सकते हैं हम लोगों का जो यहाँ पे एजुकेशन में हूँ बेसिकली, आई मीन टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कॉलेजेस और टेक्निकल कंसल्टेंसी भी करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन भी उसका करता हूँ टाइम टू टाइम। हमारे एक्सपर्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं आप, जितना एक्सपर्ट बोर्ड है और उन्हीं का सारा एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो इसलिए आप सर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि हमारा अपनी करीब 100-125 एकड़ की मैंगो की फार्मिंग है जी। तो जब भी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं कि एक इंटीग्रेटेड सॉर्टिंग से लेकर के स्टोरेज से लेकर आगे अगर क्यूब्स या फ्रीजिंग IQF भी करना है तो वो भी लगा सकते हैं, बट सिंस इट इज़ अ सीजनल क्रॉप और बाकी दूसरी कोई क्रॉप ऐसी नहीं मिलती जिसमें इतना बल्क प्रोडक्शन हो रहा हो कि हम बाकी टाइम में उसको सस्टेन कर पाएं, तो क्या कैपेसिटी सेलिंग या कैपेसिटी ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट है इस तरह का, जैसे मैंने एक कैपेसिटी क्रिएट करी इतने टन्स की, वो हम कहीं पे किसी गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर लें और वो फिर अपने दूसरे लोगों से शेयर करके जैसे मेगा फूड पार्क्स हैं या कोई और लेना चाहे तो उसमें शेयरिंग हमारी हो करके वो हमारा। आप एक MOU साइन करना चाहते हैं मेगा फूड पार्क के लिए? बिल्कुल, और एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी आप करना चाहते हैं, तो दो चीजों के लिए आप एक MOU साइन करना। तो ट्रेडिंग ऑफ कैपेसिटी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जैसे हम एक एंटरप्रेन्योर है हमारे पास एक क्रॉप है लेकिन ऑल द ईयर राउंड के लिए हमें और भी सपोर्ट की जरूरत है कि उसमें यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का होता रहे। सपोज आई क्रिएट अ कैपेसिटी एंड पुट इट इन अ बैंक विद द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उस कैपेसिटी को किसी दूसरे को यूटिलाइज करने को देते, इस तरह का भी सोच कुछ हमको बनानी डेवलप करनी पड़ेगी इन द टाइम्स टू कम। ऐसा प्रपोजल आएगा तो उसमें हम लोग विचार करेंगे और जितना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स अब सीधे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है क्योंकि उसमें फिर कई सारी बॉटलनेक आ जाती हैं उसमें। अब जैसे आपने कहा कि आपका मैंगो वाला सीजन है 2-3 महीने का, वो हम योगेश जी के साथ किसी और एक्सपर्ट्स के साथ या जैसे हम लोगों के साथ बैठ के वहाँ पे आपके साथ मार्केटिंग लिंकेज करवा सकते हैं जो भी और टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सो दैट की उस कैपेसिटी की यूटिलाइज कर सके बाद में, यूटिलाइजेशन बाद यूटिलाइज कर सके। अब जैसे कॉमन जो जो आपके इंटीग्रेटेड पैक हाउस है, आपके प्री कूलिंग चैम्बर्स हैं, आपके शॉर्टिंग रेडिंग लाइन्स हैं, आपकी IQF ब्लास्ट फीचर्स है, माना आपने IQF फ्लूडाइज बैटराइजर लगा दिया, आपने कहा कि आप बैच टाइप में जो है वो ब्लास्ट फीचर लगा लीजिए, तो आपकी कैपेसिटी ढंग से वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। आप देखिए कितना छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, बथुआ आपने सबने सुना होगा, बथुआ हर घर में आता है और सब इसीलिए खाते हैं उसको कि इसमें आयरन रिसोर्स है उसको, और बेसिकली ये किसान का जो है ये बाई प्रोडक्ट है, ये जंगली है बेसिकली, और आयरन है उसमें इतना ज़्यादा, विटामिन्स भी हैं, अगर माना उसके जितना उसमें न्यूट्रिशन पत्ते में है उससे ज़्यादा उसके डंठल में है उसमें, वो हम लोग फेंक देते हैं। यही चीज़ मेथी में है, लेडी जब जो है मेथी के पत्ते पत्ते सब चुन लेंगी, उसका जो तना है वो बाहर डस्टबिन में बाहर के फेंक देंगी, जबकि न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा है। तो कहने का अर्थ क्या कि मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट्स की डिमांड इतनी ज़बरदस्त है कि हम एक एक उसका जो कण है वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी जो है पत्ता गोभी या फूल गोभी मार्केट से हमारे वो किसान से यहाँ पर आती है और हम लोग खाते कितना है उसका, अगर उसका माना 1 किलो वजन होगा तो मुश्किल से 400 ग्राम उसका आउटपुट निकलता है, वो जो फूल होता है तो 600 ग्राम जो है वो बेसिकली कैटल फीड था वो, या उसमें भी न्यूट्रिशन बहुत था। अगर उसका एक बीच वाला अगर हम स्टॉक जो है वो हम निकाल दें उसमें, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू फ्लावर से ज़्यादा होती है। तो साथियों क्या मेरा कहने का अर्थ है, जैसे आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट आजकल यूपी में चली हुई है, लगी हुई है, राइस ब्रान ऑयल जिसकी हम बात करते हैं, आपकी बेसिकली क्या है, बाई प्रोडक्ट है, वो भूसी है, वो चावल की भूसी से राइस ब्रान ऑयल हम निकालते हैं फिर अगेन उसको सप्लीमेंट करते हैं, उसको कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं आप देखिए उसको। तो इन चीज़ों में जाने की आवश्यकता है। अभी हमारे हिंदुस्तान में या यूपी में क्या दिक्कत है, हम केवल एक प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करते हैं, माना डेयरी की बात करेंगे हम केवल डेयरी, केवल फ्रेश मिल्क बेचने की बात करते हैं हम लोग, या जो हलवाई मेरा है वो क्या करेगा उसको, और साथियों बाई प्रोडक्ट क्या था, वो पनीर बाई प्रोडक्ट था, मेन प्रोडक्ट उसने बहा दिया नाली में और वहाँ पे पॉल्यूशन उसने क्रिएट कर दिया, BOD CO2 लेवल बढ़ गया। 1 लीटर वे को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए कम से कम 100 लीटर से लेकर 500 लीटर पानी जो है वो उतना कंज्यूम करना पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड जिसको हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स की बात है। तो इन चीज़ों में अगर हम लोग जाना चाहेंगे वैल्यू एडिशन, जो पनीर का वे है या जो भी वे है उसमें सारा न्यूट्रिशन था, पनीर में क्या मिला आपको, प्रोटीन्स मिले और थोड़े से फैट मिले आपको, और 40 साल की उम्र के बाद डॉक्टर कहता है पनीर खाना मत, ठीक है, तो पनीर हमने वैसे नहीं खाया और वो जो वे था वो हमने बेच दिया उसको गटर में।
तो आज उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसके लो कॉस्ट प्रोडक्ट हम कहते हैं उसको हम लोग सप्लाई करें, पानी से भी सस्ता पड़ता है उसको। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें सर। जो ये सेमिनार्स का जो मेन उद्देश्य है वो है कि आपको स्किल करना, और दो घंटे या तीन घंटे में स्किल तो नहीं कर सकते, लेकिन स्किलिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो स्किलिंग के प्रोसेस के लिए इतने ज्ञानी लोगों को जो एक सर, अभी हम लोगों ने जैसे ये भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने इतनी कोशिश करी यूपी में लोगों को मल्टी चैम्बर मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज 2006-07 में गाइडलाइन यूपी गवर्नमेंट की हमने बनाई थी जब मैं मुझे इसका काम दिया गया था, और आप सब लोग से मुलाकात है, आप सबसे बात होती रहती थी। बोले सर हम क्या करें, सब लोग भेड़ चाल चलते हैं हमारे यहाँ पर, वो कहते हैं वहाँ बंकर लगा हुआ है तो मुझे भी बंकर लगाना, अगर ये डूबेगा तो मैं भी डूबूंगा साथ में। तो एंटरप्रेन्योर्स को भी सोच बदलने की आवश्यकता है। आज यूपी में मतलब गिनतियों पे मुश्किल से मल्टी चैम्बर मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज हैं, 99% हमारे आलू के कोल्ड स्टोरेज हैं। सर उसमें भी एक मैं बात जोड़ना चाहूंगा, आलू में भी मुझे लगता है बहुत कम लोग वेट लॉस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कोई ये सर आज मैं एक आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, मेरे ख्याल से आपके आलू में सर कितना रेंट चलता है, 2 रुपया के आसपास सीजन का, 2 रुपया किलो। मैं एक आपको एग्रीमेंट शेयर करूंगा सब घर के इसे समझ के, वे हैव डन मैकेंस जो कंपनी है जो हमारे यहाँ प्रोसेस, उसके लिए हमने 4.25 रुपीज पर केजी रेंट का एग्रीमेंट किया हुआ है। सो इफ यू अप्लाई राइट टेक्नोलॉजी उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, अब ऐसा मत सोचिए। और उसमें भी सर 4.25 रुपये में भी पर केजी उन्होंने रेंट दिया हुआ है, प्लस एक क्लोज दिया है कि अगर मैं वेट लॉस को 6% से कम लेके जाता हूँ तो दे विल गिव मी 5 पैसा एडिशनल इंसेंटिव। अब समझिए सर वो 10,000 टन स्टोर कर रहे हैं उसके मुझे 5 पैसा एडिशनल मिल रहा है, इट्स ए ह्यूज रेवेन्यू फॉर मी। और उस तरह से आपको एक एडिशनल बिजनेस मॉडल सोचना चाहिए। एक बहुत ही एग्जाम्पल हमने आज इस साल डेवलप किया है सर, जावरा में एक हम कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं, द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन जावरा जो स्पेशली ऑनियंस के लिए हमने बनाया है। अब सर वो जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट मैंने उनको शेयर किया था, उन्होंने भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया है, उसमें हमने फार्मर्स को सीधा जोड़ा है और हमने हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है उसको लोग हम WDR में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, सर्टिफाइड करवा रहे हैं। तो मतलब कोई भी बैंक से हमको इसके ऊपर वेरासोरसी फाइनेंस मिल जाएगा। तो हमने फार्मर्स को समझाया है कि भाई आपका जो भी प्रोडक्शन है उसका 50% आप कोल्ड स्टोरेज में लेके आइए, हम उसके ऊपर आपको जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो आपको करवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि फार्मर की जो इमीडिएट फंड की नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमने ये बोला है कि उस टाइम पे जो रेट होगा उसको हम बेसिक रेट मान लेंगे, और 3-4 महीने के बाद आपके साथ मिलकर उसको हम शेयर करेंगे, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको हम शेयर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन जावरा। अब देखिए सर हमने सीधा फार्मर्स को इसमें पार्टनर बना दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। प्रमोटर्स का सबसे बड़ा फायदा हो गया कि उसका पूरा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो निकल गया। यहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज में बैंक जो है फार्मर का जितना प्रोड्यूस रहता है वो बैंक का फार्मर का उसको कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हम लोग वर्किंग कैपिटल उनको दे रहे हैं एडवांस 50% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू हर फार्मर को उसी समय एट ए टाइम, जैसे ही उसका आलू आता है वैसे हम लोग यहाँ मिलते हैं। सर यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ फार्मर्स को पार्टनर्स बनाने की बात कर रहा हूँ। जैसे इस साल के बजट में अभी जो बजट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया था उसमें आपने नाम सुना होगा FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको उन्होंने इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन के लिए बोला है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। आप में से मैं कहता हूँ 90% लोग आप लोग किसान भी होंगे, आप उस FIG में और FPO में जुड़ के वहाँ से अपना उसको उठाइए, वो भी वो कंपनी के एक्ट में रूप में रजिस्टर्ड होती है, आप वहाँ से उसका गवर्नमेंट का फायदा उठा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनती हैं जिसमें 20 फार्मर आपको चाहिए जो आप लोकली क्रिएट कर सकते हैं, और उसके साथ आप उसका पूरा लिंकेज बना सकते हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को इस बजट में एग्जम्पशन मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा भी कोऑपरेटिव का एक डिफाइंड जो है वो रजिस्टर्ड वर्जन है जिसको आप ROC में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उस पर हम लोग अलग से अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की सेमिनार नहीं हो सकती, तो वो हम लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं, तो उसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे पूरा वीडियो है जो आप शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनती है। तो सर ने जैसा कहा कि मतलब बहुत सारे एडवांटेज हैं, अब आज की डेट में सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है। आ,
आप यही उद्यान भवन सप्रू मार पे है, वहां पे आप जाके कोई भी इंफॉर्मेशन, और उससे बड़ी जगह है कि अब वर्चुअल हो गया है सब कुछ। जैसे आज की सेमिनार सर ने कहा कि हमारे पास किसान आते हैं, लोग आते हैं, हम समझाते हैं और रीच नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आज की रीच आपके पास लाखों लोगों के पास है। ये जो भी बात हो रही है ये वर्चुअली और फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो बातें हों ये लोगों तक और जो जो इसके जरूरतमंद लोग हैं ना वहां तक पहुंचे। शायद वो फोरम नहीं था, इसीलिए क्रिएशन हुआ है कि आज हम यहाँ पे जब आपसे बात कर रहे हैं तो जो स्कीम्स बताई जा रही है, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने भी जो है वो जो स्टडी किया है वो उन्हीं पेपर से किया है, उन्हीं वेबसाइट से किया है, जहाँ पे जाके आपको हर स्कीम मिल जाएगी, हर टेक्नोलॉजी की डिटेल मिल जाएगी, और आपको योगेश जी जैसे और चौहान साहब जैसे लोग अलग से फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन है जिसमें आपको पहले खुद को स्किल्ड करना पड़ेगा, कुछ कुछ जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ इनोवेशन जरूर करना पड़ेगा जो हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज की डेट में भी आलू से इस बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हम ये नहीं कर पा रहे कि जो मैं उसमें सबसे बड़ा हमारी जो यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सर कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी अलाउड नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बंक जो बड़ा चंक है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसमें अगर आपके पास एक ही लैंड होल्डिंग हो और बड़ी लैंड होल्डिंग हो और आप प्रोड्यूस क्रिएट कर सकें, या लेकिन जैसे मनोज जी ने बताया कि अभी भी बैंकों के पास ये फैसिलिटीज है, और जो आलू प्रोड्यूसर जो कोल्ड स्टोरेज के लोग हैं वो ये जानते हैं कि वो फार्मर को पहले सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट किसी शेप में हो सकती है, वो एडवांस के शेप में वो सपोर्ट करते हैं, जो उसके बाद उनके प्रोड्यूस को अपने वहां रखते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं जो उस एरिया का प्रोडक्ट है, और फार्मर्स को बैंक से लिंकेज कराते हैं और बैंक उनको सपोर्ट करता है एज ए वर्किंग कैपिटल एडवांस के रूप में, और वो उनकी परचेज या उनकी जो इमीडिएट नीड है प्रोड्यूस की, वो प्रोड्यूस की इमीडिएट नीड उनकी पूरी हो जाती है, तो वो आपके अपने प्रोड्यूस को अब आपके स्टोरेज पे रखने के लिए ये आपको पैसा देने के लिए, दोनों तरीके से कि आप उनको 50% पैसा दे दें और बाद में उनको जब सीजन आ जाए तो 50% पैसा दे दें, आपको बेच भी सकते हैं और आपके प्रोड्यूस को वो रख के और रेंट भी आप जो है उनसे ले सकते हैं, उनका जब भी जब प्रोड्यूस निकलता है तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है तो आप कर सकते हैं। और जो मेरे को लगता है कि एग्रीकल्चर में जितना रिफॉर्म आने वाला है ये होगा, जैसे कल मैं सुन रहा था कि किसी ने मोबाइल ऐप बनाया है और वो मोबाइल ऐप दुबई में बनाया गया है और वो किसानों को सिंगल विंडो सिस्टम देगा, उनके प्रोड्यूस की मार्केट देगा, जिसको अगले 6 महीने में पंजाब, गुजरात और हरियाणा में लागू किया जा रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमको एजुकेट होने की जरूरत है कि हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक फार्मर की नीड है, प्रॉब्लम है कि उसका प्रोड्यूस वहीं बिक जाता है, उसको रेट नहीं मिलते, तो उसको कहीं ना कहीं जब तक ये कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज के सिस्टम में नहीं लाएंगे, क्योंकि वेयर हाउसिंग पे भी पूरी स्कीम्स हैं, जैसे इसके 3 सेगमेंट्स हैं जो फार्मर को आपको सपोर्ट करने की बात करेंगे, तीनों अलग अलग हैं, हम लोग तीनों पे वर्कशॉप करेंगे। ये स्पेशली कोल्ड स्टोरेज के लिए थी जिसमें आपको कोल्ड स्टोरेज के कोल्ड रूम्स और कोल्ड चैन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वेयर हाउसिंग भी पूरा सेगमेंट है कि आप वेयर हाउसिंग करिए। आज की डेट में जो है वो FCI है और बहुत सारे एजेंसीज हैं जो चाहती हैं पल्सेस के लिए और उनके लिए कि वहाँ गोडाउन 13 रुपए से लेकर 17 रुपए तक रेंटल पे जाते हैं, और आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें हो सकता है। और फूड प्रोसेसिंग तो एक अपने आप में अल्टीमेट बिजनेस है ही, जिसमें आप फूड प्रोसेसिंग में आपको जैसा सर ने बताया कि 5 करोड़ तक के अगर आप, अभी तो माइक्रो में डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आप कोई भी टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो में हैं, अगर आपका 75 करोड़ तक है तो आप स्मॉल में हैं, और मीडियम के लिए 250 करोड़ का टर्नओवर, तो जो पहले बेंचमार्क इन्वेस्टमेंट था वो एकदम हटा देने के बाद मेरे को तो लगता है कि 95% या 98% इंडस्ट्रीज जो है वो MSME में ही आ जाएंगी। अगर MSME में सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो कर मिल रही है कि आपको 5 करोड़ तक के फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाने पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है बैंक का, और बैंक उसको प्रायोरिटी सेक्टर पे आपको फंड कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें आपको 7% इंटरेस्ट सबवेंशन है, हो सकता है कहीं स्कीम में वो जो 2017 की स्कीम आई हुई है। इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज की स्कीम्स पे, क्योंकि इसको जरूरी है कि कोल्ड स्टोरेज की आपको स्कीम भी बताई जाए, तो मैं चाहता हूँ वो सब्सिडी स्कीम्स के बारे में भी कि कैसे कैसे है, तो सर आप बताएं तो बेहतर है, कितना कितना हम लोग दे रहे हैं इसको। वाले में भी 35% सब्सिडी है अप टू 1.4 करोड़ तक की,
तो वो है, जैसे अभी मैंने आपको कहा है कि यूपी में ऐसे ब्लॉक जहाँ पर एक भी कोल्ड स्टोरेज हमारा नहीं लगा है, वो आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे अगर आप कोल्ड स्टोर लगाएंगे तो आपको 15% एडिशनल सब्सिडी जो है वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें से जो ब्लॉक हम लोगों ने जो छांटे थे, जैसे मेरठ शेयर हो जाएगा, मेल हो जाएगा, लेकिन पढ़ दीजिए मेरठ में, जैसे मेरठ मंडल में गाजियाबाद में भोजपुर जगह है एक ब्लॉक, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर सिंभावली हैं, गौतमपुर नगर में जेवर है, फिरोजाबाद में एका है, बदायूं में कादर चौक है, शाहजहाँपुर में बंडा खुटार मिर्जापुर, मुरादाबाद में बिलारी, अमरोह में गंगेश्वरी, कानपुर देहात में ढेरापुर झिझक अमरोधा मैथा मलाशा सदलपुर, कौशाम्बी में चायल निवादा, बहुत सारी है लिस्ट है, ये लिस्ट आपको शेयर कर लेंगे। सिर्फ सिंपली है कि अगर आप 35% सब्सिडी पाएंगे कोई भी, अगर आप कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, कोल्ड रूम लगाते हैं, अगर ये कोल्ड स्टोरेज इन ब्लॉक्स में लगाते हैं तो एडिशनल 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, 18 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यूपी में जहां पर, जिसमें कुछ ब्लॉक्स हैं जहां पर एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो यहां यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 15% जो एडिशनल सब्सिडी है स्टेट गवर्नमेंट की, 35% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट से आप इसमें अवेल कर सकते हैं उसमें। हाँ मल्टी चैम्बर में, हाँ उससे अब। और इसके साथ फूड प्रोसेसिंग लगा लेते हैं तो आपको 25% फूड प्रोसेसिंग की सब्सिडी है, प्लस फूड प्रोसेसिंग वाले पे आपको जो है वो इंटरेस्ट 5 करोड़ तक के इंटरेस्ट भी नहीं है। और बाकी जो बाकी जैसे जीएसटी की बात है, स्टेट जीएसटी में भी रिबेट्स वो गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर कर रही है 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए, कहीं पे 5 साल का है, 10 साल का है, एरिया वाइज है वो। इसके अलावा टैक्सेशन बेनिफिट है आपको, 100% डिप्रिसिएशन आपको फर्स्ट ईयर में अलाउड है, 100%। वेयर हाउसिंग के लिए अलग सेमिनार करेंगे सर, तो जब सेमिनार करेंगे तो हम भी कुछ पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, तो हम भी ज्ञान ले रहे हैं, ऐसे कोई एक्सपर्ट लोग आएंगे। वेयर हाउसिंग पे है, वेयर हाउसिंग पे सब्सिडीज है, जो संपदा तो, योजना मैंने बताई है संपदा योजना की, आप गाइडलाइन पे जाइए mopi.nic.in पे संपदा में, तो आप उसको देख लीजिए उसमें, और मतलब उसमें आप लॉजिस्टिक पार्क टाइप से या वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज वो भी फैसिलिटीज भी अगर आप उसमें इनबिल्ट करते हैं एग्रो प्रोसेसिंग के सेक्टर में, एग्रो प्रोसेसिंग नाम है उसमें, तो आप कई और अदर कमोडिटीज भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अलावा वो भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट्स हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं आपकी, लिस्ट आपको शेयर कर देंगे। लेकिन इसमें दो चीज़ें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट निर्धारित कर रखी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना लेंगे और उस पर कुछ भी सब्सिडी मिल जाएगी, हर चीज़ की कॉस्ट है। जैसे मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ कि अगर आप पैक हाउस बनाते हैं तो 4 लाख पर यूनिट कॉस्ट है, जिसका 9 मीटर बाई 6 मीटर डायमेंशन होगा। ऐसे इंटीग्रेटेड पैक हाउस है तो उसमें 16 मीट्रिक टन तक के पर डे कैपेसिटी बनाते हैं तो 50 लाख है, ऐसे कोल्ड रूम पे 15 लाख है, 30 मीट्रिक टन, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है। ऐसे अगर आप कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी वाइज करते हैं तो अगर जो 5000 मीट्रिक टन और से ले तक बनाते हैं, 8000 मीट्रिक तक बनाते हैं, मतलब 5000 मीट्रिक टन, तो आज 8000 रुपए पर मीट्रिक टन की कॉस्ट आती है उसमें, तो ये अलग अलग डिफाइंड है। अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो कॉस्ट वैसे वैसे कम होती, वो एडमिसिबल कॉस्ट है। उस एडमिसिबल कॉस्ट में अगर कोल्ड चैन, कोल्ड व्हीकल, इवन सीए कोल्ड स्टोरेज के हर कंपोनेंट की डिफाइंड कॉस्ट है, जो अलग अलग डिफाइंड कॉस्ट है, जो पूरी लिस्ट इसमें आपको दे दी जाएगी, ब्लॉक की पूरी लिस्ट जाएगी, फ्रूट्स के लिए अलग, राइपिंग चैम्बर के लिए अलग कॉस्ट है, इवन हार्टिकल्चर में तो आपको जो है वो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इवन कुछ क्रॉप्स के लिए भी है। आप जाके पढ़ेंगे तो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और कुछ क्रॉप कल्टीवेट करते हैं जो मेडिसिनल क्रॉप वगैरह है, वहां पे भी आपको सब्सिडी है। तो नंबर ऑफ सब्सिडीज हैं जिसका डिस्क्रिप्शन एक एक करना कोई हमको यहाँ रिलेवेंट नहीं लगता है, आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, जिसमें अब सिर्फ ये है कि अगर इनमें करेंगे तो आपको 15% का एडिशनल है अगर इन ब्लॉक्स में आप लगाएंगे। मैं एक सिंपली प्रोसीजर भी बता दूं कि इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, जो ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपके पास बैंक का सेंक्शन लेटर होना चाहिए, क्योंकि बैंक अगर सेंक्शन करती है, आप पहले बैंक में जाएंगे, अपना DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक आपको सेंक्शन देगी, उस सेंक्शन लेटर के लेके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसकी पूरी लिस्ट भी शेयर करेंगे, उसके साथ आपको क्या लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या परमिशन चाहिए, आपसे रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको
टेक्निकल्स रिपोर्ट चाहिए, लेकिन बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक से इन प्रिंसिपल नहीं, कंपोजिट सेंक्शन लेटर चाहिए, उस डीपीआर की कॉपी चाहिए। हाँ, अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डीपीआर बनाते हैं तो उस पर भी है अलग अलग, उसके फाइलिंग चार्जेस भी हैं जो ऑनलाइन और आप फाइल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे वो सारी लिस्ट आपको अवेलेबल है जब आप करेंगे। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिसबर्समेंट से 18 महीने के अंदर आपको कोल्ड स्टोरेज लगा लेना है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये 6 महीने और बढ़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बैंक आपको, अगर कोई भी समझदार बैंक होगी तो आपको सेंक्शन दे देगी लेकिन डिसबर्समेंट नहीं देगी जब तक आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं ले आएंगे सब्सिडी का। और जब डिसबर्समेंट करेगी तो उस डेट से आपको 18 महीने के अंदर ये लगा देना है, क्योंकि अगर आपने जिस चीज से 35% और 50% की कॉस्ट का एजम्पशन किया है और आप 18 महीने में अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा पाए और किसी कारण से आपको सब्सिडी नहीं मिली तो ये भी ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में वो 6 महीने बढ़ जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप साइट से जाके जानकारी लेके पा सकते हैं, उद्योग भवन जाके पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको बुलाने का उद्देश्य था कि एक बार आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज जो हों, अभी सिर्फ 2 लोगों ने पूछी हैं, मेरे को लगता है कि हर आदमी अपना कुछ इंट्रो देता जाए और कम से कम जो उसकी बेसिक क्वेरी हो पूछता जाए, एक तरफ से चले तो ज्यादा बेहतर है। सर पहले आप थोड़ा दिखा लेते तब एक साथ क्वेरी, किसी को और पर्टिकुलर क्वेश्चन तो ठीक है पूछते हैं क्या सर, पहले आप दिखाएंगे जो कोई वीडियोस बाकी। हां वो पहले दिखा लेते, चलिए वीडियो बुला फिर इसके बाद चाय बुलवाओ, उसके बाद क्वेरी होती जाएगी। कंट्रोल चाहिए, जो फर्क है यही है, अगर उसमें 0.3 से ज्यादा वेरिएशन देंगे तो डेफिनेटली आपको ऑनियंस प्रॉब हो जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोगों को इंटरेस्ट है एक बार आके इस तरह के इंस्टॉलेशन देखिए, दे विल आइडेंटिफाई कि भाई इसमें कितना क्या लेवल का प्रिसीजन इंजीनियरिंग है। जैसे मैंने आपको लिखा कि ये भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट, जैसे सर ने बताया इसमें भी अपू 75 लाख तक सब्सिडी है। हाँ सर, अभी सर इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग लाइन भी है, जैसे हम लोग भी बनाते थे पहले इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जिस सिस्टम सारा अवेलेबल है, जैसे ईजी है, मेंटेनेंस के लिए भी ईजी है। यस सर, इसमें अभी और भी एडवांस ऑप्शन है हमारे पास, जैसे आप इंटरनल, जिसको इंटरनल डिफेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, अगर फूड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है तो विदाउट ब्रेकिंग वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल एप्पल का एग्जांपल लीजिए, जब आप बाहर से अच्छा दिखता है, काटते हैं तो अंदर से ब्राउन स्पॉट दिखता है, और दिस लाइन कैन बी आइडेंटिफाइड। हाँ, वो आप आइडेंटिफाई कर देगा। देखिए कोल्ड स्टोरेज या कोई भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उसमें बहुत बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट फैक्टर है वो पावर है, वो खास करके हमारे गुजरात में सबसे महंगा है पावर, मोर देन 8.5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो डेफिनेटली जिस तरह से अभी सोलर पैनल्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई है, जो पावर कॉस्ट कम आई है, 3-3.5 रुपये में आज सोलर से प्रोड्यूस होता है, और सोलर में सबसे बड़ा कंटेंट है स्पेस रिक्वायरमेंट है। तो जब स्टोरेज आप कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं या कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली उसका जो रूफ है खाली पड़ा हुआ है। सर हमारे गुजरात में तो काफी लोग इनोवेटिव है, जितने हमने सेक्टर बनाए उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। सर अभी तो रिवर्स मीटरिंग शुरू हुई, कहीं सस्ती जमीन खरीद के आप पूरा उधर सोलर करके इधर रिवर्स पे आप ले लो। सोलर के केस में क्या है कि आपके पास करीब 30,000 से लेके और 60,000 स्क्वायर फीट जगह अवेलेबल होगी, ऑन एन एवरेज इसका आप यूटिलाइजेशन कम से कम 25,000-30,000 स्क्वायर फीट का कर सकते हैं, और एक 100 स्क्वायर फीट में 1 किलोवाट का नॉर्मली चाहिए होता है आपको। तो अगर आप मतलब 25,000 करते हैं तो 250 किलोवाट कनेक्शन आप ले सकते हैं। तो सर ने कहा वो उसमें क्योंकि सेम
भी करेंगे तो आप टाइम बाउंड करके कुछ पहले निकाल लिया कुछ बाद निकाल लिया। और आप समझिए सर, अगर आपने 500 टन के बदले 125 टन की चार चैम्बर बनाई, एक चैम्बर खत्म हो गई तो आप उसको दूसरा वाटर में मटेरियल भर सकते हैं। 500 टन में क्या होगा, आपका 100 टन मटेरियल पड़ा है तो भी आप पूरी सिस्टम रन करोगे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा जो एक फोकस होना चाहिए वो मेरे ख्याल से ऑटोमाइजेशन पे होना चाहिए। सर ये जो आप देख रहे हैं स्टोरेज है, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है सर। इसमें जैसे हमने मैकेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, तो हमने बहुत स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज पर्सन आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पैरामीटर्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स वो लोग ला रहे हैं, हमारा तो कोई रोल नहीं है उसमें। हमको आइडिया नहीं कि वो किस फील्ड से ला रहे हैं, किस कंडीशन में ला रहे हैं, तो कल को वो क्लेम करें कि भाई आपका तो माल ठीक नहीं रहा, तो हाउ वी कैन फाइट विद देम। तो हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट फ्रेम किया है जिसमें हमने बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई आपका टेम्परेचर, CO2, ह्यूमिडिटी हमको इतना मेंटेन करके देना है, और फॉर देट ये जो आप PLC एक दे रहे हैं उससे हमने उनको एक्सेस दे दिया, सर्टिफिकेशन निकलता रहता है। हाँ नहीं, हमने एक्सेस ही दे दिया उनको कि भाई आप 24 घंटे में जब भी आपको ये पर्टिकुलर, जैसे 22 चैम्बर में से 9 चैम्बर हमने दी, तो 9 चैम्बर का उनको हमने व्यूअर्स दे दिया, क्योंकि वो कंट्रोल कभी भी 24 घंटे में रात को देख सकते हैं। सो वी आर लिमिटेड टू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में आपको ध्यान रखना चाहिए, मिनिमम ह्यूमन इंटीग्रिटी रखना चाहिए, क्योंकि ये पेरिसेबल फूड वेजिटेबल्स है, उसमें आप अप एंड डाउन करेंगे तो उसके डायरेक्टली इफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप मैक्सिमम ऑटोमेटाइजेशन सिस्टम्स का करें। उससे दूसरा फायदा क्या है कि जब आप ऑटोमेटाइजेशन पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इंजीनियरिंग साउंड हो जाएगा, कंट्रोल साउंड हो जाएंगे, क्योंकि अगर कंट्रोल परफेक्ट है तो ही आपका प्लांट ऑटोमेटिक चलेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी, सब फायदा है। सर टेम्परेचर रेंज इतनी क्या वेरिएबल होती है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी हम लोग सिलेक्शन कर सके, किसी प्रोडक्ट को 2 डिग्री चाहिए, किसी को 8 डिग्री चाहिए, हम 0 से 10 तक का बना सकते हैं, जिससे कि कभी इस चैम्बर को 8 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। अगर आपको ऑटोमेटाइजेशन है तो आपने पर्टिकुलर एक चैम्बर से भी कंट्रोल एटमॉस्फेयर सीए, तो इसीलिए आप इसको उसके जो वो जो जो पैरामीटर्स आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड VFD। और उसमें भी आप एडवांस दे सकते हैं कि भाई आप इतना डिफरेंस रखना है, जैसे मैं आप बताऊं कि भाई मैंने कोई लेमन है तो उसके लिए 8 डिग्री मेंटेन किया है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क, 8 डिग्री पे स्टॉप होगा, 8.2 डिग्री पे रिस्टार्ट हो जाएगा। So that level of engineering you should do. If somebody is going for a multi-chambered CA, that means he has got the freedom to store any kind of material available, from dry fruits to vegetables to frozen. So uska fayda kya hai ki ek aapka risk factor kam ho jayega, you are not dependent to one product. Ab jaise aloo mein bahut logon ko is saal malum tha ki bhai saturation hai to nuksan jaane hi wala hai, but do they have gone for it, kyunki unke paas options nahi tha. Agar usi jagah pe aap ye kar sakte hain, aloo ke liye CA storage viable nahi hai na. Ha wo hai, lekin apple ke liye viable hai. तो हमारी यूटिलाइजेशन कैसा होता है सर, मैंगो कैनिंग है पर वो क्या होता है कि लोग ऑप्टिमम कैपेसिटी पे करते हैं, उनको जब सस्ता मटेरियल मिलता है तभी वो सस्टेनेबल होता है। तो ये स्टोरेज आपको वहाँ पे फायदा ये करेगा कि अगर आप 50 दिन मैंगो स्टोर करते हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट, जो उनकी जो ये कैनिंग प्लान है, वो 50 दिन की साइकिल और बढ़ जाएगी, तो वो आपको 3 रुपये भी भाड़ा देंगे। नहीं, हमारे यहाँ यूपी में आपको नहीं, उसके बाद पल्प को तो आप लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकते हैं, बाद में स्टोर कर सकते हैं, बट फ्रेश मटेरियल चाहिए ना सर आपको। हाँ, यूपी का जो मैंगो है वो इसलिए यहाँ पे मैंगो कैनिंग यूनिट आप नहीं देख पा रहे हैं, चाहे मलियाबाद हो कोई भी हो, क्योंकि हमारा जो टेबल परपज का जो मैंगो है ये इसका अच्छा खासा प्राइस में मिल जाता है, एज कम्पेयर टू तोता परी या बैगन परी जो है साउथ का है, वो 3 रुपये 5 रुपये आपके लैंडिंग रेट पे आ जाता है इंडस्ट्री पर, इसलिए वहाँ पल्प यूनिट आपकी वाइबल है। लेकिन हाँ, यहाँ एक अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए कि हम लोग वेराइटी वाइज पल्पिंग यूनिट लगा सकते हैं, बिल्कुल, जैसे चौसा या आपका दशहरी मैंगो का पल्प, उसकी मार्केटिंग के लिए यदि कोई इच्छुक है वो उसमें मार्केट में कूद सकता है। सर इवन मैंगो क्यूब करते हैं, फ्रोजन करें तो भी अच्छा मार्केट, फ्रोजन भी एक मार्केट है जहाँ वो बिल्कुल मैंगो क्यूब वाला जो है, बिकॉज सबसे बड़ा हब तो मैंगो का मेरे ख्याल से इस रीजन में यही होगा, मलियाबाद है, उधर आपका सहारनपुर बैठ जाते हैं। बट एक जो कहते हैं सर, एक वो चला आ रहा है कि दशहरी की पल्पिंग नहीं हो सकती या दशहरी का रेशा की वजह से पसंद नहीं आता लोगों को, ऐसा ये क्या है? दशहरी मैंगो का पल्प की फ्लेवर अलग है, आप उसको स्टोर करके देखिए, आप जैसे अभी उन्होंने जो आपका फ्रोजन प्लांट बताया है कंसंट्रेट करके, इतनी बढ़िया आपको फ्लेवर मिलेगी दशहरी मैंगो की, आप आइडेंटिफाई कर जाओगे। इज देयर एनी प्लांट इन दिस रीजन यहां पे लगा है? सर क्या है कि जो पल्पिंग है वो जो आप
सर आप माजा का अगर इंडिग्रेन देखेंगे अल्फांसो वायबल ही नहीं होगा अगर कोई कंपनी अल्फांसो कॉन्सेंट्रेट यूज करेगा कॉमर्शियल वायबल नहीं सर सबसे बड़ी चीज लगती है हम लोग आम के बेल्ट में रहते हैं और इतने सालों से हमने देखा नहीं कि कोई इंडस्ट्री यहाँ फ्रूट मैंगो की मेरे मुंह से निकला कि वाइबल नहीं है तो वो बल्कि उन्होंने जाके हमारे बॉस से कहा उसे चौहान साहब ने कहा वाइबल नहीं है यूनिट तो फिर मैंने समझाया मैंने कहा मैं वाइबल कहने का ये है अगर आप इफ यू कंपेयर विद द साउथ इंडस्ट्री क्योंकि वहाँ जो मैंगो है एक तो क्या कि दशहरी मैंगो आपका एक तो इसकी पल पीरियड कम है एज कम्पेयर टू तोतापुरी मैंगो पल पीरियड कम है हमारी पल पीरियड आएगी मुश्किल से 50% के आसपास उनकी पल पीरियड आ जाएगी 65% के हिसाब से तो जो एनर्जी लेवल वो हमारा हमारे पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ये चीज़ें फैक्टर्स हैं लेकिन मेरा फिर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उसको एज ए वैरायटी किसान को तो बहुत कम मिलता है जो यहाँ 15-20 रुपए जाता है किसी ने किया ही नहीं है सर एफर्ट डालने से पहले अगर इसमें देखा जाए इट कैन बी डन वेरी इजी तो ये चीजें हैं इंटरप्रेन्योर निकले इसीलिए तो सर मैंगो क्यूट की जो आपने बात करी आप वैरायटी